जिबल यस चैट इधर घुमा दीजिए, दीजिएस आवाज आ रही है आवाज आ रही है यस yes. मुश्किलों से डर कर भाग जाना आसान होता है मुश्किलों से डरकर भाग जाना आसान होता है हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है अरे बच्चों हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है क्या कहा सर आपने मुश्किलों से डरकर भाग जाना आसान होता है हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में अरे हाँ हाँ जो डरने वाले बच्चे हैं डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में और लड़ने वालों की कदमों में लड़ने वालों की कदमों में पूरा जान होता है तो बिल्कुल से स्वागत करेंगे आप सभी स्टूडेंट्स का दिनेश सर लाइब्रेरी चैनल पर एक ऐसे चैप्टर के साथ जिससे बच्चे डरकर भाग जाते हैं और ये डर के भागना उनके लिए आसान होता है लेकिन इतिहास तो वही लिखेंगे जो मुश्किल काम को भी बिना डरे उससे लड़ेंगे और पूरा करेंगे तो इसी के साथ आज हमारा मैराथन जो लेक्चर नंबर यहां पर आ रहा है आपके लिए वो है फाइव पांचवा लेक्चर महा मैराथन सर थाउजेंड ट्वेंटी टू के स्पेशल चैप्टर बताओ सर आज का स्पेशल चैप्टर जो है लाइन एंड प्लेन जो कल ही होने वाला था लेकिन मैंने बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन से फ़िल्टर किए हैं सिमिलर क्वेश्चन 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 वैरायटी कैटेगरी किया हुआ सिस्टमेटिक तरीके से आज जैसे कल आपको वेक्टर चैप्टर में बहुत मजा आया था एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर इतने क्वेश्चन तो बुक में भी नहीं है जितने आपने वैरायटी बता दी <laughs> तो वो पढ़ के मुझे काफी अच्छा लगा हाँ ये बात सही बोले क्योंकि मैंने बुक के क्वेश्चन लिए ही नहीं थे मैंने सारे लेटेस्ट और कुछ यहां वहां से लिए थे जो बुक्स में नहीं है वैसे ही आज लाइन प्लेन के क्वेश्चन आप देखोगे बुक्स में बहुत सारे हैं लेकिन मैं जो क्वेश्चन लेने वाला हूं उसी में से क्वेश्चन आएंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है मेरे दोस्त यही आएगा सर ये चैप्टर छोड़ दिया ऑप्शन में चलेगा क्या अरे मेरे दोस्त कैसे चलेगा अरे बाबा अरे ये चैप्टर लाइन एंड प्लेन अप्रॉक्स क्वेश्चन अरे ये ये डिफरेंशियल इक्वेशन लगभग क्वेश्चन दो बड़े बड़े चैप्टर हैं समझ रहा है तो लॉजिक मेट्राइसिस और ट्रीगो तीन चैप्टर करेगा ना उसके बदले ये एक चैप्टर है समझ में आ रहा है लॉजिक मेट्राइसिस और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ये चार चैप्टर और ये दो चैप्टर रहा है? कहीं से दो ही क्वेश्चन आ रहे हैं लॉजिक से या मेट्राइसिस से या कभी तीन भी आ सकता है यहां पर ये दोनों को मिला के नौ क्वेश्चन अप्रोक्स आएंगे ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि पांच ही आएगा बट पिछले साल हर बार पांच ही आया था हर पेपर में किसी किसी शिफ्ट में चार भी आ सकता है लाइन प्लेन के चार क्वेश्चन तीन चार पांच ऐसे समझ गए समझ गए यहां लाइन प्लेन का तीन या चार का वेटेज है और इसका डिफरेंशियल तो पांच पांच आया ही था पिछले साल तो भाई मेरे वैक्टर अच्छे से आ गया है वैक्टर का चार से पांच क्वेश्चन का वेटेज है वेक्टर कलम ने किया कैसा लगा अच्छा लगा आज मैं सच बोल रहा हूं कि जो बच्चा इस सेशन में आया है उसको इतना मजा आएगा और वो इसको इतना आसान लगेगा ना लाइन प्लेन वो सीख के जाएगा वो सीख के जाएगा तो हम लाइन प्लेन से शुरुआत करते हैं ठीक है तो चलो एक मिनट हाँ चलो अपने दोस्तों में शेयर कर दो फटाफट फटाफट -फड़, -फड़ शेयर कर दो तो स्टार्ट करते हैं ओके टॉपर्स यहीं से होने वाले भाई जितने भी बड़े बड़े कॉलेज के अंदर टॉपर्स जाएंगे वो हमारे ही बच्चे जाने वाले हैं यस यस दिनेश सर लाइफ स्टडी के जो स्टूडेंट हैं वो ही होने वाले हैं चलो फटाफट -फड़ सभी बच्चे कहा रह गए शेयर कर दो जल्दी जल्दी तो अभी हम लोग लेते हैं बच्चों पहला क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन है एक मिनट हा यस हमारे पास शीट है यहाँ पर तो यहां पर सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है ये देखोगे 2020 और 2021 में आए हुए दो क्वेश्चन यहां पर मैं आपको दे रहा हूं यस yes. देखो यहां पर यह क्वेश्चन आया था 2020 में और यह क्वेश्चन आया था 2021 में अब दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है बट तरीका वही है अब यहां पर मैं और क्वेश्चन देना चाहता हूं आपको बिल्कुल ये देखो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आया था 2021 में और ये क्वेश्चन आया था 2020 में अब चार क्वेश्चन मैंने एक साथ लिए हैं जो 2020 और 21 में आते हैं बट इन चारों की खासियत क्या है कि चारों क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं एक आ गया तो चारों आ जाएगा लेकिन सर इतने बड़े बड़े क्वेश्चन देख के हमको डर लगता है एक तो पहले तो ये लमडा और आई जे के ऐसे ही डर लगता है बेटा तू डर मत पहले मैं तुझे बेसिक कंसेप्ट बताता हूं लाइन प्लेन का ओके तो आ जाओ पहले ना हम इसका बेसिक देखते हैं यस यहां पर बच्चे बोल भी रहे कि बेसिक लो पहले <laughs> आ, 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 <laughs> तो चलो हम लोग पहले बेसिक देखते हैं <laughs> चलो सभी लोग रेडी रहना <laughs> तो हम लोग देख रहे हैं बेसिक्स ऑफ लाइन प्लेन तो सबसे पहले ये जो चैप्टर है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है एक लाइन और एक प्लेन तो प्लेन को हम बाद में देखेंगे लाइन जनरली इस तरह से लाइन होती है बच्चों ये एक लाइन होती है स्ट्रेट लाइन बट यहां पर फर्क क्या है जो हम लोग इलेवेंथ में स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ते थे उसका इक्वेशन ऐसे होता था थ्री एक्स प्लस टू वाईक्वल टू फाइव ये स्ट्रेट लाइन होती थी ट्वेल्थ के अंदर हमने कल जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन किया था उसका इक्वेशन कुछ इस तरह से होता था कि बाबा टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाइव माइनस फाइव इज इकल टू जीरो बट यहां पर जो हमारी लाइन है वो क्या कहती है कि आपका जो लाइन है उसके दो दो रूप होते हैं एक होता है व, वेक्टर फॉर्म और एक होता है कार्टेशियन फॉर्म एकदम ध्यान से देखो एक होता है वेक्टर फॉर्म एक होता है कार्टेशियन फॉर्म लाइन प्लेन का ओके अभी कोई भी लाइन है देखो ये जनरली ये होता था इसको भी कार्टेशियन में ही काउंट करते बट हम लोग अब कार्टेशियन फॉर्म और वेक्टर फॉर्म में किसी भी लाइन को कैसे लिखेंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसके लिए भी वैरायटी होती है सबसे पहला वैरायटी होता है कि अगर कोई जो लाइन दी है वो जो है अगर किसी पॉइंट से पास हो रही है समझो टू थ्री फाइव और किसी और को पैरेलल है मतलब समझ रहे हो कि तुम्हारी जो लाइन है वो तुम्हें छोड़ के किसी और किसी और किसी और को पैरल है तो ये पहला केस होता है बच्चों और एक दूसरा <shamaya> केस होता है कि तुम्हारी जो लाइन है वो किसी और को पैरल नहीं है तुम्हारी जो लाइन है वो किसी और को पैरल नहीं है बट तुम्हारी लाइन तुमको डेडिकेटेड है आ हा 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 लेकिन तुम्हें बताए बिना किसी और किसी और पॉइंट से भी जाती है समझ रहे हो तुम्हारी जो लाइन है वो तुम तुमसे डेडिकेटेड पॉइंट ए से तो जा ही रही है बट वो किसी और पॉइंट से भी गुजर रही है समझ रहे हो ये केस क्या था हमारी जो लाइन है वो एक पॉइंट से जाती है और किसी और लाइन को पैरल है पैरल समझ रहे हो पैरल <coughs> ऐसे ये बी बार है समझो इस तरह से तो इस तरह से हमेशा स्टार्टिंग में याद रखना कि हमारे पास दो कंडीशन होते हैं पहला कंडीशन क्या कहता है हमारी लाइन एक ही पॉइंट से जाती है वाह तू मेरी है लेकिन ये क्या वहां जाके तू किसी और को है ऐसे क्वेश्चन में दो अलग अलग फॉर्मूले लगते हैं दूसरा होता है कि हमारी जो लाइन है वो हमसे तो जा रही है हमारे पॉइंट से लेकिन आगे जाके किसी और को भी किसी और पॉइंट से भी जा रही है ठीक है अब इन दोनों के लिए हम क्या करते हैं अलग अलग फॉर्मूले लेते हैं दोनों केस के लिए ठीक है अब पहला केस क्या है देखो यस पहला केस ये है ये वाला इसका वेक्टर इक्वेशन क्या होगा ये कहता है आर बार इज इक्वल टू वेक्टर इक्वेशन में हमेशा आर बार आएगा आर बार इज इक्वल टू ये जो ए है ना इसका पोजिशन वेक्टर ए बार इसका पोजिशन वेक्टर ए बार प्लस लैमडा फिर ये जो जिस जो कोई और है किसी को पैरेलल है वो बी बार तो इस तरह से आर बार 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 ए बी ये इसका इक्वेशन इक्वेशन होगा वेक्टर तो सर इसका क्या होगा ये तो किसी को पैरेलल नहीं है ये तो आपस में ही इसका भी बिल्कुल ऐसे ही होगा ध्यान से देखिए इसका भी होगा आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस ये जो बी है बी में से ए माइनस करना क्या हो गया बी माइनस ए ये जो बी है उसमें से ए माइनस करना बी माइनस ए दोनों में फर्क क्या है यहां दो पॉइंट थे बी और ए तो बी में से ए माइनस कर दिया लेमडा के साथ यहां पर एक ही पॉइंट है ए तो ए बार आया और ये जो बी बार है वो पैरल वैक्टर है तो ये जो दो टाइप होता है बेटा ये दो टाइप होता है इन दोनों का वेक्टर इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन में बच्चों हमेशा आर बार आएगा आर बार आर बार को क्या करने का कुछ नहीं करने का यहां पर लेम्डा आएगा लेम्डा को क्या गरने? कुछ नहीं करने का मतलब हमेशा आर बार और लेमडा को हमेशा लेमडा रखेंगे कभी कभी दो लाइन होती है तो आर बार के साथ लेमडा या तो म्यू लिखते हैं ओके दो लाइन होगी तो आर बार तो सेम रहेगा एक बार कॉन्स्टेंट लेमडा और म्यू रखेंगे तो ये वेक्टर इक्वेशन के लिए होता है अब कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है सर कार्टेशियन इक्वेशन का भी अलग फॉर्मूला रहता है जैसे अब ये पहला केस ये जो पॉइंट होता है इसको एक्स वन वाई वन जेड वन लेना समझ में आ रहा है पर इसके ये डायरेक्शन रेशियो कहलाते हैं टू थ्री फाइव ए बी सी इसको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो अब जैसे कि हम इसको लिखेंगे एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन उसके नीचे ए फिर वाई माइनस वाई वन उसके नीचे बी फिर जेड माइनस जेड वन उसके नीचे सी ये क्या हुआ ये कार्टेशियन इक्वेशन हुआ कार्टेशियन मतलब क्या जिसमें वैक्टर नहीं आएगा जिसमें वैक्टर नहीं है वो कार्टेशियन है इसमें एक्स, वाई और फिक्स रहेगा बदलेगा नहीं जैसे ये आर बार नहीं बदल रहा था वैसे यहां पर एक्स वाई जेड फिक्स रहेगा ये एक्स वन वाई वन जेड वन ये पॉइंट है टू थ्री फाइव ये जो ए बी सी है यहीं पे करो ना बैठ के ये जो ए बी सी यहाँ पे जाएगा ना ओबीएस वगैरह देखना पड़ेगा ना हाँ ठीक है आजा ये जो ए बी सी है वो यहां से डायरेक्शन रेशियो लेने का जो पैरल वेक्टर है ये पहले टाइप का कार्टीशन होगा दूसरे टाइप का कार्टिशन कैसे करना है सर दूसरे टाइप के कार्टिशन के लिए हम क्या करते हैं कि ऐसे ही फॉर्मूला रहेगा x X1. देखो ये पहला एक्स वन वाई वन जेट वन है और ये एक्स टू वाई टू जेट टू है ठीक है तो x माइनस एक्स वन और नीचे x2 टू माइनस एक्स वन देखो ये दोनों सेम रहेगा y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन अपन जेड टू माइनस जेड वन तो ये दो टाइप होते हैं बच्चों याद रखना वेक्टर इक्वेशन कार्टेशियन उसमें भी ये दो टाइप रहते हैं तो ये सबसे पहला बेसिक कंसेप्ट लाइन का अब इसके साथ ही आपको क्वेश्चन कैसे आएगा क्वेश्चन का ऐसा ध्यान से देखो कभी कभी आपको एक लाइन दी होगी या तो इस टाइप की या तो इस टाइप की अगर इस टाइप की दी है आपकी लाइन किसी और को पैरेलल है तो बोलेगा कि देखो इसका एक ऐसा वेक्टर इक्वेशन दिया होगा बोलेगा इसका कार्टेशियन इक्वेशन करो कभी कभी क्या होगा कि आपको ये लाइन दी है पैरेलल है हमारी लाइन किसी और को पैरेलल है और इसका कार्टेशियन इक्वेशन दिया बोलेगा इसका वेक्टर इक्वेशन करो समझ रहे हो यानी अदला बदली करने बोलेगा ये दिया है तो बोलेगा ये करो ये दिया है तो बोलेगा ये, तो ये, तो ये करो समझ रहे वैसे ही जो तो दूसरा केस है ध्यान से देखो जो दूसरा केस है इस दूसरे केस में भी क्या होगा आपकी एक लाइन है दो पॉइंट से जा रही है तो कभी कभी बोलेगा दो पॉइंट से जा रही है तो इसका वेक्टर इक्वेशन बताओ कितना होगा या तो इसका कार्टेशियन इक्वेशन बताओ कितना होगा या तो इसका वेक्टर इक्वेशन दिया तो बोलेगा कार्टेशियन इक्वेशन में बदलो या तो इसका कार्टेशियन इक्वेशन दिया है, तो इसका वेक्टर इक्वेशन ऊपर भी ऐसे होगा अगर ये कंडीशन बोलेगा इसका वेक्टर इक्वेशन निकालो या तो इसका कार्टेशियन इक्वेशन निकालो ऐसे बोलेगा समझ में आ रहा है एकदम समझ में आ रहा है यस तो इस तरह से बच्चा ये लाइन के बेसिक कंसेप्ट है क्या है लाइन के बेसिक जिसको आ गया आ गया ठीक है अभी यहां पर जैसे कि मैं पहला क्वेश्चन बोल रहा हूं देखो अभी ज़... मैं पढ़ाते पढ़ाते कंसेप्ट लूंगा देखो द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन अब यहां पर देखो वेक्टर इक्वेशन दिया हुआ है कार्टेशियन uh, इक्वेशन दिया है। देख रहे हो ये ये इस तरह से कार्टेशियन इक्वेशन हमको बोला इसका वेक्टर इक्वेशन क्या होगा अभी मैंने आपको सिखाया कि ये कार्टेशियन इक्वेशन होता है इसका ये वेक्टर इक्वेशन होता है समझ रहे हो वेक्टर इक्वेशन कैसे होता है आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार अब ए कहां से आएगा देखो ये एक्स वन वाई वन और जेड वन हमेशा ए देगा ये जो नीचे है ना ये आपको ए बी सी डायरेक्शन ए बी सी ये आपको बी बार देगा ये जो बी बार कैसे आ जाएगा ये नीचे के जो ए बी सी है वो बी बार देगा ये ऊपर वाले ए बार देंगे तो ऐसा क्वेश्चन दो मार्क के लिए आता है आपको अगर कंसेप्ट पता है तो आप कर लोगे जैसे कि यहां पर देखो ऐसे क्वेश्चन बार बार आए देखो एक्स प्लस थ्री अपॉइंट टू टू वाई माइनस थ्री अपॉइंट फाइव जेड इजक्ल टू माइनस वन देखो एक्स प्लस टू अपॉइंट टू टू वाई माइनस फाइव अपॉइंट थ्री जेड इज टू माइनस वन अच्छा ये जानबूझ के घुमा के दिया है ये भी होता है जेड माइनस समथिंग अपॉन आना चाहिए बट ऐसे नहीं दिया अब देखो ये ऐसे और भी क्वेश्चन है हाँ, अब यहां पर देखो कार्टेशियन इक्वेशन निकाल दिया है और इसका वेक्टर इक्वेशन निकालने बोला मतलब वैसा ही है घुमा के दिया ये सारे क्वेश्चन एक जैसे ही है जो मैं बता रहा हूं चार क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं कैसे करना है देखो मैं बताता हूं सबसे पहले इस क्वेश्चन को उठा उठाते क्या है देखो एक्स प्लस थ्री अपॉइंट टू ध्यान से देखना कंसेप्ट के साथ में समझा रहा सब लोग ध्यान से देखो ओके okay? देखो टू वाई माइनस थ्री अपॉइंट फाइव टू आई माइनस थ्री अपॉन फाइव और यहाँ पे जेड माइनस होना चाहिए बट जेड माइनस नहीं है तो ठीक है जो भी है वो लिखो जेड इज इक्वल टू माइनस वन ये देखो ये एक्स्ट्रा दे दिया अलग तरीके से दिया है यहाँ पर इक्वल करके देना चाहिए नहीं दिया है ठीक है कोई बात नहीं मैं बताता हूं अभी देखो एकदम ध्यान से देखना हमको क्या बोला है बच्चों कि इसका वेक्टर इक्वेशन निकालो अभी मैंने आपको क्या सीखा एकदम ध्यान से देखो कंसेप्ट के साथ बता रहा हूं कि बाबा एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए ऐसे होता है बच्चों एकदम ध्यान से देखना इसका वेक्टर इक्वेशन था आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार होता है अब ए बार कैसे आ जाएगा देखो ये एक्स वन वाई वन और जेड वन इसमें आईजे के लगाने का और बी बार कैसे आएगा ये ए बी सी में आईजे के लगाने का तो इस तरह से हम किसी भी कार्टेशियन को वेक्टर कर सकते हैं जैसे कि यहां पर लेकिन याद रखना है कि एक्स माइनस एक्स वन होना चाहिए और y माइनस वाई वन होना चाहिए एक ही चीज अच्छे से समझ लो चार पांच क्वेश्चन अपने हो गए 2021 में ऐसे दो क्वेश्चन आए थे 2020 में भी दो तीन क्वेश्चन आए थे सेम टाइप के क्वेश्चन रिपीटेड है एक देख लो कि कैसे किसी कार्टेशियन को वेक्टर करते हैं भाई एक देख लो तू बहुत सारे क्वेश्चन कर लेगा ऐसा एक क्वेश्चन किसी ना किसी शिफ्ट में आने वाला है ओके अब तुम बोलोगे सर मेरे शिफ्ट में नहीं आया ये नहीं आएगा तो अगला आएगा कोई ना कोई तो आएगा जितना मैं आज बताने वाला हूं एकदम ध्यान से देखो कोई तुक्का की बात मत करो एग्जैक्ट आंसर आएंगे देखो

अब देखो यहां पर मैं आपको बता दू ये हमारा एक्स वन है ये हमारा वाई वन है और ये हमारा जेड वन ये दिया हुआ है ठीक है डायरेक्ट जेड की वैल्यू दी है ओके ये माइनस 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 को को नहीं लेने का का छोड़ देने का, यहां पर इक्वल टू दिया इसलिए ये डायरेक्ट जेड वन की वैल्यू है अगर ये ऐसा जेड माइनस समथिंग होगा तो जैसे इसको क्या वैसे करते अब ये जो है ना ये ए की वैल्यू है डायरेक्शन रेशियो ए बी यहां सी ना नहीं है तो जीरो है इसका अपॉन नहीं है और ये इक्वल इसलिए जीरो अगर ये ऐसे होता है तो वन लेते। तो हमारा जेड माइनस आता? वन आता C. बट यहां Z -1 नहीं दिया, ना, दिया। इसका मतलब इसका डायरेक्शन रेशियो जीरो है इसका मतलब इसका डायरेक्शन रेशियो जीरो अलग टाइप का क्वेश्चन है बार बार रिपीट हुआ यही टाइप का क्वेश्चन रिपीट हुआ ध्यान से देखना अब देखो अब एकदम एकदम अब हमें क्या करना है इसको वेक्टर फॉर्म करना है तो हम सबसे पहले लिखेंगे बार फिर आई जे के लगाना तो एक्स वन क्या है माइनस थ्री आई कैप फिर ये क्या है माइनस अरे ये माइनस को छोड़ के लेने का ये माइनस छोड़ के माइनस थ्री ये माइनस छोड़ के थ्री बाई टू है प्लस थ्री बाई टू जे कैप और

और ये टू -टू कैंसल, और जीरो में टू का मतलब जीरो बहुत आसानी से हो गया समझने की कोशिश करो समझने की कोशिश करो ये क्वेश्चन बार बार आया है 2021 में दो तीन बार आया दो हजार में आया है उसके पहले भी आया है कि बाबा कोई भी इस तरह से कार्टेशियन इक्वेशन दिया है उससे वेक्टर इक्वेशन बदलना तो कैसे किया मैंने इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा एक्स माइनस होना चाहिए फॉर्मूला कहता है एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस होना चाहिए तो तो y, y अकेला नहीं था तो 2 से डिवाइड कर दिया फिर यहां पर बोलता है कि जेड माइनस होना चाहिए बट नहीं है तो ये अकेला कोई बात नहीं यहां डायरेक्ट जेड की वैल्यू दी है जेड वन की माइनस वन और इसके नीचे कुछ नहीं है क्योंकि ये इक्वल है इसका डायरेक्शन इसे जीरो समझने का याद रखो अगर ये इक्वल नहीं होता तो अपन में वन होता अब हमें क्या करना ये जो है ना ये वाला ये ये और ये येड वन है एक्स वन वाई वन जेड वन है वो ए बार बनाएगा एक्स वन वाई वन जेड वन हमें ए बार देगा आईजे के लगा के और जो नीचे होता है ये ए बी सी ये हमें बी बार देगा जो नीचे होता है ना उसमें आईजे के लगाएंगे तो बी बार आएगा बट ये अपॉन में था अपॉन में था तो ये टू अपॉन में टू तो से मल्टीप्लाई किया टू टू द फोर टू टू कट गया जीरो तो फोर फाइव जीरो में आई के मतलब हमेशा आईजे के चिपकाने का ये जो नीचे होता है इसको डायरेक्शन इश्यूज भी कहते हैं पैरल वैक्टर के आईजे के साथ होता है अब ये हमारा आंसर है माइनस थ्री प्लस थ्री बाई टू माइनस वन माइनस थ्री देखो माइनस थ्री प्लस थ्री बाई टू माइनस वन माइनस थ्री प्लस थ्री बाई टू माइनस वन है ना माइनस वन तो ये एक मिल रहा है ये एक ही तो मिल गया इसको देख के मिल देख गया देखो ये सब मैच ही नहीं हो रहा है तो ये कट गया ध्यान से देखो आपको पैरल नहीं आया तो भी ये देखो ये कट गए ये मैच नहीं हो रहे मतलब एक ही मैच हो रहा है तो ये भी मैच होगा फोर आई प्लस फाइव फोर आई प्लस फाइव मैच हो गया तो हमारा ऑप्शन ए है इतना इजी क्वेश्चन तो जरूरी है, कोई भी इस तरह से line, उसका। अभी देखो यही क्वेश्चन वापस से आया था टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में ये दो हजार बीस में आया था वही चीज दो हजार इक्कीस में आई बट क्या बोला सेम क्वेश्चन है देखो बट नंबर बदल दिया एक्सप्ल थ्री को एक्सप्ल टू किया ओके okay, को डायरेक्शन रेशियो कुछ होता है देखो मैंने इस क्वेश्चन को कैसे करने बताया जैसे ये एक्स है प्लस है तो माइनस माइनस टू करेंगे यहां पर टू वाई माइनस फाइव है मैंने क्या सीखा टू से डिवाइड करो वाई माइनस फाइव अपॉइन टू और ये नीचे थ्री अपॉइन टू आ गया और यहां पर जो ये जेड इज इक्वल टू माइनस वन इसका डायरेक्शन रेशियो अपॉन नहीं रहेगा तो हमको क्या चाहिए डायरेक्शन कोसाइन एलिमेंट चाहिए अब देखो हमको डायरेक्शन रेशियो मिल गया है ए बी से ये जो डायरेक्शन रेशियो अपॉन में वो क्या होता है टू थ्री बाई टू और इसका कुछ नहीं है जीरो लेने का टू थ्री बाई टू और जीरो बट ये अपॉन टू है मैंने क्या सिखा अपॉन टू है तो टू से मल्टीप्लाई करो टू टू सा फोर और ये थ्री टू टू कट गया और जीरो तो एक्चुअल में हमारा डायरेक्शन रेशियो क्या आया फोर थ्री जीरो बच्चों डायरेक्शन रेशियो आया बट बट हमको तो डायरेक्शन कोसाइन पूछा है। अगर डायरेक्शन रेशियो पूछता तो फोर थ्री जीरो आ गया डायरेक्शन कोसाइन का एक फॉर्मूला होता अगर आपको याद है कि मैंने क्या बताया था कि देखो डायरेक्शन कोसाइन यानी एलेमेट के फॉर्मूले होते हैं कि जैसे एल है तो ए को रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड करो

5, 5, 0. कहां पर है देखो? अब देखेंगे डायरेक्शन को साइंस आ गए अब और ये डी वाला भी निकल लो तो यहाँ पर सी है फोर अपॉइन फाइव थ्री अपॉइंट फाइव जीरो देखो यहाँ पर फोर अपॉइंट फाइव थ्री अपॉइंट फाइव जीरो बहुत ईजी है बहुत ईजी है समझने की कोशिश करो क्वेश्चन क्या था ये था इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में किया एक्स माइनस Y minus, अब ये टू था तो टू नीचे जाने दो टू से डिवाइड करो ये ऐसा होता है जैसा जैसा एक जैसा तो तो उसको उसको वैसा करते बट ये इक्वल करके दिया है तो साइड में रखने का उसके डायरेक्शन रेशियो को जीरो समझने का अब इसके नीचे है इसके थ्री बाई टू इसका कुछ नहीं है तो इसको जीरो लिया तो ये हमारा आ गया टू थ्री बाई टू थ्री बाई यह डायरेक्शन रेशियो बोलता तो सिर्फ यही होता बट जब डायरेक्शन कोसाइन पूछता है डायरेक्शन कोसाइन तो ऐसे में क्या करते हैं ये जो फोर है उसको ये जो रूट वाला टर्म होता है उससे डिवाइड करते हैं फाइव से ऐसे ये थ्री है ये डायरेक्शन रेशियो है डायरेक्शन को साइन क्या करेंगे इन तीनों का स्क्वायर करके प्लस करके रूट लेके जो आता है उससे डिवाइड कर दे और ये तो ये हमारे डायरेक्शन को साइनस आ गए समझ में आ रहा है तो ये पूछा है तो कंसेप्ट समझो आप क्वेश्चन घुमा के देगा तो भी कर लोगे यहां डायरेक्शन रेशियो पूछता तो भी कर लेते हैं ठीक है अब हमारे दो टाइप के क्वेश्चन हो गए था सेम ही अब ऐसे ही क्वेश्चन और है आपको लगेगा क्या देखो वही क्वेश्चन है देखो ये 2021 में क्वेश्चन ये बदल क्या आ रहा है देखो कैसे कैसे, कैसे? लगाओ, लगाओ, कोशिश करो।, तो करो मैं कंसेप्ट को तुम्हारे दिमाग में डालने की कोशिश हूं एकदम कंसेंट्रेट करो यहां वहां की बातें मत सोचो ओके। देखो थ्री एक्स प्लस वन तो मैंने क्या बताया थ्री एक्स है तो थ्री से डिवाइड करो उसको थ्री एक्स है तो एक्स प्लस वन बाई थ्री अपॉन थ्री मैंने क्या किया ऊपर नीचे थ्री से डिवाइड किया तो थ्री से डिवाइड किया तो नीचे कुछ नहीं था वन था देखो नीचे 1 था 3 से डिवाइड किया तो नीचे भी वन अपॉन थ्री आया ऐसे अपॉन तो सिक्स से डिवाइड किया तो नीचे वन है तो सिक्स आया माइनस जेड है तो एक्चुअल में ये जेड माइनस वन होना चाहिए तो माइनस बाहर लो और जेड माइनस वन हो गया हमने माइनस बाहर लिया वन हो गया समझ रहे हो ये जेड माइनस वन होना चाहिए इसके अपॉन में कुछ नहीं तो वन है कभी भी जो ये ऐसा कार्टेशियन इक्वेशन दिया होगा देखो दो हजार इक्कीस का क्वेश्चन है हल्के में मत लो जितने क्वेश्चन बता रहा हूं अभी चार क्वेश्चन एक ही टाइप का क्वेश्चन है बार बार ऐसा आ रहा है क्वेश्चन देखो करना कैसे है? जो ये कार्टेशियन इक्वेशन दिया इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है स्टैंडर्ड फॉर्म कहता है कि हम इसको पहले एक्स माइनस एक्स वन करेंगे ओके और, okay. और दूसरा कुछ है इनके साथ नीचे भेज दो वो एबीसी डायरेक्शन रेशियो बन जाएगा तो अब देखो यहां पर y के साथ सिक्स था तो मैंने सिक्स से डिवाइड करके उसको अकेला कर दिया अब यहाँ प्लस है बट ये माइनस होना चाहिए ये प्लस है ये माइनस होना चाहिए तो हम क्या करते हैं प्लस को माइनस माइनस कर देते हैं अब ये माइनस इधर नहीं होना चाहिए तो माइनस को नीचे दे दो माइनस को नीचे दे दिया इस तरह से माइनस माइनस वन हो गया तो ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया अब करने क्या बोला है देखो समझने की कोशिश करो अब ये बोलता है वेक्टर इक्वेशन निकालो अब वेक्टर इक्वेशन में आप देखोगे तो यहां पर जो पॉइंट फिक्स हो गए ये देखो ये एक्स वन पॉइंट है ये वाई वन और ये जेड वन

अब देखो ए बार कैसे आएगा ये माइनस वन बाई थ्री और ये माइनस को छोड़ देने का ये माइनस नहीं लेने का ये माइनस नहीं लेने का ये माइनस नहीं लेंगे तो बचा क्या माइनस वन बाई थ्री वन बाई थ्री और वन माइनस वन बाई थ्री वन बाई थ्री वन देखो ये पहला दिख रहा है और कोई दिख रहा है क्या माइनस वन बाई थ्री वन बाई थ्री और वन और दिख रहा है यह भी दिख रहा है वाव तो ये बी वाला जो है हमारा कट गया ओके अब देखो आगे देखो एकदम ध्यान से देखना इसको देखते हैं ये क्या बोलता है टू वन माइनस सिक्स आना चाहिए तो टू प्लस वन है क्या नहीं टू भी कट गया अच्छा टू प्लस वन है टू प्लस वन माइनस देखो ये मैच हो रहा है देखो टू वन माइनस सिक्स देखो दिख देख रहा है टू वन माइनस सिक्स तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है समझ में आ रहा है बच्चे डी बोल रहे हैं बहुत अच्छे रेस्पॉन्स अच्छा आप लोग का बस कोशिश करो देखो जिसको ऐसा लग रहा है ना मतलब तो कभी को क्या होता है चीजों से ना एकदम एलर्जी होती है अरे लाइन प्ले नहीं करना नहीं करना अरे कोशिश तो कर कोशिश तो कर डर के भाग मत तू भागना मत ये लेक्चर में मैं बोल रहा हूँ तुझे भले अच्छा नहीं लग रहा है तू कोशिश तो कर तुझी अच्छा नहीं लग रहा मुझे समझ में आ रहा है की सर काय है अरे काय आहे ते चोर तू इथं फक्त लक्ष दे मी एकदम सोप्प करून दाखवतोय तुझ्या डोक्यात जाणार बघ आणि एकदा समजलं ना एकदा समजलं ना की तुला एवढं सोपं जाईल ना तू स्वतःला ना पूर्ण वर्षभर का मी ह्याला ऑप्शन मध्ये ठेवलं होतं एवढं सोप्प होत मी असं शिकवणार आहे फक्त जरा सिरियसनेस ठेवा आज तरी सुट्टी घेतलेली मी आहे तुमच्यासाठी ठीक आहे सकाळपासून आम्ही पीपीटी करतोय डिफरेन्शियल इक्वेशन तयार केले फक्त सिरियसली ह्याला शिका मैं कंपेरिजन करोप ठीक है चला ये हो गया देखो इस तरह से, अभी देखो यहां पर 2020 में ऐसा ही क्वेश्चन था द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन इज दिस देन क्या होगा तो आप खुद से कर लेंगे यू विल डू द सेम कैसे करना होता है आप कर लोगे इसको देखो एक्स माइनस वन है अपॉन कुछ नहीं है तो वन आ गया

और नीचे क्या है देखो ये वन है टू से मल्टीप्लाई करो टू वन और माइनस टू ये तो देखो टू वन माइनस टू किधर दिख रहा है टू वन माइनस टू इधर दिख रहा है टू वन माइनस टू ये भी दिख रहा है टू वन माइनस टू ये भी दिख रहा है टू वन माइनस टू ठीक है वन हाफ ओ हो वन हाफ माइनस वन ये दिख रहा है वन हाफ माइनस वन कुछ गड़बड़ तो नहीं है एक मिनट है एक्स माइनस वन माइनस डेड माइनस टू वन माइनस टू ये दिखा ये तीन जगह पे है वन माइनस थ्री बाई टू एंड थ्री वन माइनस थ्री बाई टू एंड इधर कहीं पे कुछ मिस्टेक दिया है वन एक मिनट है बच्चों वन हाफ टू वन टू टू वन माइनस टू अगर ये वाला देखते हैं तो वन हाफ एंड माइनस वन इधर माइनस वन आ रहा है यहां पे करेक्शन है क्वेश्चन में करेक्शन है क्या बोल रहे हैं डी आ रहा है डी बच्चे बोल रहे डी माइनस वन प्लस थ्री बाई टू ओ एक मिनट डी लग रहा है बट यहां पर ये वन है ना यह माइनस दे दिया है <coughs> इसको माइनस से यह कर दिया चलो तो यहां पर यह कंसेप्ट इस तरह देखो थोड़ा सा करेक्शन है यहां पर ओके क्या बोल रहे हैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने बोल रहे पॉइंट में वैसे नहीं चलेगा यार वो डायरेक्शन रेशियो में कर सकते माइनस से मल्टीप्लाई यहां पे कर सकते हैं माइनस से मल्टीप्लाई इसमें कर सकते हैं ये जो है ये कर सकते हैं माइनस से मल्टीप्लाई टू वन माइनस टू बट ये तो सब सेम है है ना अगर ये रखिए तो यहां पर तो माइनस इसमें कर सकते माइनस से मल्टीप्लाई इसमें नहीं कर सकते पर लेकिन यहां पर ऐसा दिया है तो ऐसे में क्या करेंगे डी इज आंसर माइनस थ्री नहीं होगा थ्री होगा एक मिनट रुक जाओ एक मिनट रुक जाओ ये थ्री माइनस जेड है ना माइनस कॉमन लिया तो जेड माइनस थ्री बराबर है माइनस वन नीचे लिया बराबर बर किया है जेड को देखो हम्म थ्री माइनस जेड तो देखो इसमें से अगर माइनस कॉमन लिया तो जेड माइनस थ्री तो माइनस जेड माइनस माइनस प्लस थ्री तो ये जेड माइनस थ्री है और ये थ्री है ओनली यहां पर ये ओनली थ्री है आई माइनस थ्री ऑप्शन में मिस्टेक है प्लस का ठीक है आपको तरीका समझना चाहिए 2020 में आता है देखो यहां 2021 में एक क्वेश्चन आया ये ऑप्शन में प्लस माइनस हमने ये टाइप किया है ना इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है प्लस माइनस कोई बात नहीं कंसेप्ट समझ गए ना बस देखो यहां पर ये टू वन माइनस टू इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं प्लस माइनस से इसको डायरेक्शन रेशियो को जो चाहिए कर सकते इस तरह से <coughs> चार क्वेश्चन एक ही टाइप के हो गए बच्चों ओके okay? चार क्वेश्चन एक ही टाइप के हो गए आपको पता चल गया कैसे कार्टेशियन इक्वेशन दिया होगा तो उसका वेक्टर इक्वेशन निकालना या डायरेक्शन रेशियो निकालना या डायरेक्शन ओके को निकालना ठीक है ऑप्शन रॉन्ग दिए वहां पर <coughs> अब ये हो गया हाँ अब देखो आगे अभी दूसरे टाइप का क्वेश्चन <coughs> एक मिनट अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन एक है कि द कार्टेशियन इक्वेशन ये कभी आया था वो देखते हैं ये 2021 का क्वेश्चन है बच्चों द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स पॉइंट्स टू आर देयर ए और बी क्या तुम्हें याद आ रहा है अरे मेरी लाइन आहा हा छोटा बनाओ ना सर ओके अरे मेरी लाइन आहा डेडिकेटेड है मुझसे आ टू हा हा। टू वन लेकिन ये क्या ओहो तुम किसी और पॉइंट से भी जा रही हो पे जा ओके तो एक ही लाइन जो है दो अलग अलग पॉइंट से जा रही है एक लाइन दो पॉइंट से जा रही है कहता है कार्टेशियन इक्वेशन बनाओ तो मैंने आपको अभी जो फॉर्मूला छीट दिया था मैं चाहूंगा कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप यू शुड टेक स्क्रीनशॉट फॉर दिस स्क्रीनशॉट ले लो देखो मैंने बताया था कि अगर कोई लाइन दो पॉइंट से जाए तो ये एक तरीका होता है क्या तरीका होता है वापस सिखाओ सर एकदम इजी करके दूंगा। रे। देख बेटा, हम तरीका क्या लगाते हैं जेड टू माइनस जेड वन तो जब भी कोई लाइन दो पॉइंट से जाए तो इस तरह से ये फॉर्मूला होता है अब ये जो दो लाइंस है बेटा इनकी हम बात करते हैं इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं इनको नाम देते हैं x1 y1 z1 a है x2 y2 z2 ओ हो ठीक है अब इन वैल्यूज को यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं ये जो x है बदलेगा नहीं पुश पर आ वो ठीक है बदलेगा नहीं ओके x y z को फिक्स रखना है अभी देखो x1 समझो मैं इसको x1 लेता हूं तो 2 y1 भी 2 z1 y1 एक मिनट x1 2 फिर y1 वन टू और जेड वन वन यानी ये माइनस टू माइनस टू माइनस वन ये सेम है देखो माइनस जेड वन अभी एक्स टू एक्स टू ये वन वाई टू थ्री और जेड टू जीरो हो गया आंसर x माइनस टू अपन y माइनस टू अपन जेड माइनस वन अपन वन माइनस टू माइनस वन थ्री माइनस टू वन जीरो माइनस वन माइनस वन आ गया अब इसको मैच करो कितना इजी क्वेश्चन देखो 2021 में पूछा था तुम लोग लाइन प्लेन से डर रहे तुम को बाद में बहुत पछतावा होगा इतना क्यों नहीं थोड़ा सा देखना अब देखो किधर है बोलो एक्स माइनस टू वाई माइनस टू जेड माइनस वन किधर है ये बी में दिख रहा है बी में दिख रहा है देखो एक मिनट एक्स माइनस टू वाई माइनस टू और किधर दिख रहा है नीचे क्या है माइनस वन वन माइनस वन अरे यही तो है क्या बोलती पब्लिक भी, भी आ गया अरे बहुत सही बहुत सही अरे है, 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 है। देखो खाली दो पॉइंट से जा रही है कोई भी लाइन अगर दो पॉइंट से जा रही है फॉर्मूला याद रख बेटा ओके एकदम समरी करके बार कंपेरेटिवली स्टडी करने का मैंने क्या बताया कि बेटा तू ये सिर्फ याद कर इसका स्क्रीनशॉट ले ले तू पता कर कि लाइन दो पॉइंट से जा रही है कि जो लाइन है वो एक पॉइंट से जारी किसी और किसी और को है तो ऐसे में इसका इसका जो वाला होता ना, इसका ये होता है 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 ना ये ये एबीसी एबीसी वो नीचे ठीक तो याद रखने का बहुत मजा आने वाला आज तुम लोग खाली आओ देखो जिस चैप्टर से रहते थे दूर ओके क्या होता है कभी कभी बैड बैडलग होता है जो चैप्टर रहते हैं हमारी नजरों से दूर वही हमारे एग्जाम में कंपलसरी होते हैं वही हमारे पेपर में कंपलसरी करने के लिए आता है इसीलिए किसी क्वेश्चन को ना रखो दूर चलो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास है अगला जो क्वेश्चन है 2021 और 2020 का क्वेश्चन है ये 2021 का क्वेश्चन है बच्चों, ये 2020 का क्वेश्चन सर साथ साथ में क्यों ले रहे हैं आपको पता चले ना कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू एक पॉइंट से जा रही है एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस एंड दिस समझ रहे हो समझ रहे हो नहीं समझ रहे फिर से देखो द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू एक पॉइंट से जा रही है एंड परपेंडिकुलर टू द द लाइंस परपेंडिकुलर टू लाइंस लाइन दो दो लाइन ये क्या था सर ये क्या था इसको समझने के लिए हम एक पेज लेते हैं हमारी जो लाइन है थ्री माइनस वन टू से जा रही है हमारी जो लाइन है वो थ्री माइनस वन टू से जा रही है ध्यान से दे देखना हमारी लाइन थ्री माइनस वन और टू से जा रही है ठीक है इस तरह से है लेकिन ये बोलता है कि हमारी जो लाइन है वो क्या कर रही है परपेंडिकुलर है इसको दो और लाइन को अरे रे पहले तो पैरल होती थी अब ये किसी और दो लाइन के साथ इसका गड़बड़ चालू है जो परपेंडिकुलर है समझो इस तरह से हमारी जो लाइन है वो इसको भी परपेंडिकुलर है और इसको भी परपेंडिकुलर है हमारी जो लाइन है किसी और दो लाइन के साथ जाके भिड़ गई है तो बोलता है हमारी जो ग्रीन वाली लाइन है उसका इक्वेशन निकालो

बुक मांग लिया होमवर्क बुक ये जरा दे ना मेरे को बुक कंप्लीट करना है बात खत्म उसको बाहर मिलेगा और पहले तो ये भाई लोग आ जाओ मैटर हो गया है अपनी अगली को किसी ने छेड़ दिया है अब वो बेचारे ने तो बुक मांगा था उसको पता नहीं कि उसका कोई और था उसने चार-पांच लड़के बुला के रखे और इस तरह से क्रॉस कनेक्शन चालू है अब ये पता ही नहीं अरे क्या चल रहा है मेरा तो है हाँ ही नहीं इधर क्योंकि तो ये लाइन क्या बोलेगी मैं तो देखो मैं एकदम शरीफ हूं मैं सिर्फ एक <ukh Sara attacking> एक मिनट ये लाइन बोलेगी ये इस तरह से कि मैं तो शरीफ हूं मैं सिर्फ एक पॉइंट पे जाती हूं मैं किसी और को पैरल हूं तो मेरा इक्वेशन इससे आ जाता है ऐसा मेरा इक्वेशन आ जाता है मैं बहुत शरीफ हूं मैं सिर्फ एक ही पॉइंट पे जाती हूं किसी को पैरल होती हूं मैं किसी के रास्ते में नहीं आती लेकिन यहां पर लफड़ा है यहां पर लफड़ा क्या है कि हमारी जो लाइन है वो एक पॉइंट से जा रही है बट पैरल किसको वो पता नहीं है लेकिन बाहर स्कूल के दो तीन जन भिड़ गए भाई भीड़ गए अब ये लाइन परेशान ये लोग से तो मेरा लपड़ा ही नहीं है फिर ये मेरे को काट क्यों रहे परपेंडिकुलर है तो आप क्या करोगे एकदम हीरो को बुलाएंगे हीरो को बुलाएंगे टैं -टे -टैं, शक्तिमान हीरो आएगा इनका हीरो कौन होता है हीरो कौन होता है जो मैंने यहां पर बताया था इस लाइन का हीरो इस लाइन का हीरो वो जो ग्रीन वाला पैरलर है ये पॉइंट से तो जा रही है पर ये पैरल लाइन अगर ये पैरल लाइन आ गए हमारा हीरो आ गया तो हमारा इक्वेशन आ गया अब यहां तो है ही नहीं हमारा पैरल लाइन है ही नहीं वो कैसे आएगा हमारा पैरल लाइन जीरो कैसे आएगा जीरो को लाने के लिए हम क्या करेंगे ये जो दुश्मन है इन दुश्मनों से भिड़ जाएंगे आपको पता है कि कोई भी दो इस तरह से वेक्टर हो अगर ये बी बार और सी बार है इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन निकाल सकते हैं हम ये बी बार और सी बार का क्रॉस प्रोडक्ट किया ना तो एक परपेंडिकुलर वेक्टर आता है याद आ रहा है क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर का कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल देखो ये दो लाइन येलो वाली है

इन्हीं दोनों का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूं तो मुझे और एक परपेंडिकुलर लाइन आएगी जो पहली वाली लाइन 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 को पैरेलल पैरेलल होगी और ये 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 वाली जो है हमारी कहलाएगी 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 बार समझ में आ रहा है बट ये बी बार आएगा कैसे ये दोनों जो लाइन है इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो आपको एक पैरेलल वेक्टर आ जाएगा और वो पैरेलल वेक्टर खुशी खुशी अपनी हीरोइन को ले जाएगा इस पॉइंट के साथ समझने की कोशिश करो अब होगा कैसे

और ये जो दूसरी लाइन है इस लाइन के अंदर भी हम सिर्फ ये बी बार उठाते हैं देखो एक्चुअल में ये बी बार पैरेलल वाला भी काम कर देगा ये क्या है बी टू आई माइनस टू जे प्लस टू के आई माइनस टू जे प्लस टू के तो हमारे जो दुश्मन थे गुंडे बच्चे लोग थे वो दो लाइन ये दोनों थी बड़ी लाइन उसमें ये तो पॉइंट होता है ये उनका पैरेलल वाला जो था इसको उठा दो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करो तो आपको हीरो मिल जाएगा पैरेलल लाइन मिल जाएगा ये हीरो कैसे मिलेगा पैरेलल लाइन ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अब वो दोनों के लिए हमारे पास क्या है वन टू है इसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे वन क्रॉस टू देखो इस तरह से आई जे के याद आ रहा है समझने तो की कोशिश करो पॉइंट क्या है टू माइनस टू वन टू माइनस टू वन फिर देखो वन माइनस टू टू वन माइनस टू टू एक बार मैच करते टू माइनस टू और वन वन माइनस टू और टू वन माइनस टू और टू ये इस तरह से अब ये आया अब इसको सोल्व करोगे तो एक वैक्टर आएगा जो हमारा हीरो वैक्टर आएगा ना पैरल वैक्टर अब देखो आपको याद है प्लस माइनस प्लस कर दे तो आई के साथ क्या आ जाएगा माइनस टू टू माइनस फोर और प्लस टू माइनस फोर प्लस टू माइनस टू आई क्या डायरेक्ट करने का फिर माइनस जे माइनस जे टू टू जोर फोर माइनस वन थ्री जे फिर प्लस के प्लस के टू माइनस फोर और प्लस टू माइनस टू आ गया ये क्या आ गया माइनस टू आ गया इस तरह से तो ये हमारा जो वेक्टर आया ये एक्चुअल में बी बार आया जो पैरेलल वेक्टर था अब हमारा पॉइंट क्या था पॉइंट ए क्या था थ्री माइनस वन और टू अब हमारा वेक्टर इक्वेशन क्या होता है बार 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 लैम्डा तो आप कैसे करोगे इसको देखो ए बार ए मतलब ये पॉइंट हमारी जो पॉइंट थी उसमें आई जे के देने का बच्चों थ्री आई माइनस वन जे प्लस टू के समझ रहे हो और प्लस लैम्डा फिर जो बी बार पैरेलल वेक्टर आया माइनस ये पूरा ये पूरा जो है बी माइनस टू आई माइनस थ्री माइनस क्या था और निकालना है तो कोई बात नहीं कार्टेशियन निकालना कोई बात नहीं रुको रुको मैं बताता हूं कार्टेशियन निकालना है मैंने वेक्टर निकाल दिया देखो हमारा ए मिला है थ्री माइनस वन टू हमारा डायरेक्ट भी कर सकते हैं देखो इसको ऐसे। x माइनस वाई माइनस जेड माइनस ऐसे कर दिया अभी हमारा पॉइंट क्या थ्री माइनस वन टू थ्री माइनस माइनस प्लस वन और जेड माइनस टू ये ऊपर का आ गया अब नीचे डायरेक्शन रेशियो निकालना है, वो क्या था आ, वो क्या आया था जो हमारा पैरल वेक्टर आया माइनस टू माइनस थ्री और माइनस टू आया ये जो पैरल वेक्टर आया माइनस टू माइनस थ्री माइनस टू आया माइनस टू माइनस थ्री और माइनस टू आया देखो क्या आया माइनस टू माइनस थ्री माइनस टू आया इस तरह से और यहां पर अगर वेक्टर निकालना होता तो हम ऐसे कर देते तो ये भी तरीका सीख लिया आपने कार्टेशियन निकालना था देखो अब देखो ऊपर देखो एक्स माइनस वन में दिख रहा है सर अरे भाई देख बी में भी है ओके ओके चलो ये सी गया सी गलत है जो गलत है उसको पहले कट कर दो सी गया इधर भी है ए बी डी से अभी नीचे देखो माइनस टू माइनस थ्री माइनस टू का है आ, इधर नहीं है इधर भी नहीं है ओ ओ देखो कहीं नहीं माइनस है तो ये जो डायरेक्शन रेशियो होता है ना बच्चों ये जो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं नीचे वाले को नीचे वाले को डायरेक्शन रेशियो को तो माइनस से मल्टीप्लाई किया टू थ्री और टू तो टू थ्री टू कहा है देखो टू थ्री टू इधर है ये बी में नहीं है टू थ्री टू टू थ्री टू ये तो प्रकट हो गया टू थ्री टू नहीं है सो so, हमारा ऑप्शन ए आ गया समझ गए देखो नीचे डायरेक्शन रेशियो में किसी का भी मल्टीप्लाई कर सकते हो समझ में आ गया ये ए आ गया मैंने दो तरीके से सिखाया एक ही क्वेश्चन को कि कोई एक लाइन है किसी पॉइंट से जा रही है तो हमें क्या चाहिए था बट ये पता था कि ये दो लाइन को परपेंडिकुलर है तो उन दोनों परपेंडिकुलर लाइन का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे है ना तो इसको परपेंडिकुलर लाइन आएगा परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर जो है वो पैरल तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है

अब वही क्वेश्चन यहां पे था ये वेक्टर में दिया था तो करना वही है डरना नहीं है ठीक है कैसे करेंगे यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे बच्चों की बी वन क्रॉस बी टू निकालेंगे बिल्कुल वही है। अब तुम बोलोगे सर यहां बी वन बी टू को तो यहां से उठाया तो यहां पर देखो ये वाला होता है बच्चा बी वन यानी ये वन टू फोर समझ रहे हो वन टू फोर ये जो है ना ये नीचे डायरेक्शन है वो और इसका टू टू इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन टू टू वन ऊपर आई जे के ऐसे करोगे तो ये जो आएगा ये आपको बी बार देगा एक्चुअल पैरेलल वेक्टर दे देगा समझ रहे हो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालते समय यहां तो मस्त किया था सर आपने दो वेक्टर निकाला था जो दो वेक्टर था इसका ये, B1 और, B2, आ, ये, sorry, ये B1 और ये सॉरी ये बी वन और ये बी टू उठाया था, था लैम्डा के बाद यहां क्या करेंगे यहां जो नीचे वाला होता है टू वन टू फोर टू टू कुछ नहीं है तो वन समझ रहे उसको डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं उसको यहाँ डिटरमिनेंट में रख दो आपको जो आएगा वो पैरेलल वेक्टर आएगा पॉइंट आपको दिया है ये दोनों दिया है तो आप निकाल सकते हो और ऐसे भी देखो देखो वन टू थ्री है तो एक्स माइनस वन ऐसे भी कट कर सकते खाली पॉइंट देख के भी हो सकता है यस yes, ये सही है टू माइनस वाई एक मिनट ये सब वही दिया है घुमा के दिया आपको ये निकालना जरूरी है इसका डायरेक्शन है ठीक है बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है अभी देखो पांचवा क्वेश्चन है अब ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है क्वेश्चन बार बार आया मैं बता दूं कि बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है 2021 में 2021 में यह क्वेश्चन आया 2021 में यही क्वेश्चन बदल के आया यहां पर राइट एंगल right बोल के आया यहां पर यह परपेंडिकुलर बोल के आया इतना ही नहीं यही क्वेश्चन जो है टू ओल्ड जो ओल्ड पीवाई क्यू की बात करेंगे 2020, 19, देखो यही क्वेश्चन बार बार आया है मैंने जो पीवाई क्यू की शीट दी है यह परपेंडिकुलर बोल के आया है परपेंडिकुलर बोल के आया है आप देखोगे वही क्वेश्चन जो है ओल्ड पीवाईक्यू में से आया है पुराने पीवाईक्यू की शीट से हमारे परपेंडिकुलर बोल के और हर बार लेमडा निकालने बोलता है देखो ये हर बार यहां पर के बोल रहा है निकालने यहां लेमडा निकालने बोल रहा है यहां पर लेमडा निकालने बोल रहा है यहां पर लेमडा यानी कि 2021 में ही ये क्वेश्चन दो बार आया 2020 में 19 में यानी टाइप ऑफ क्वेश्चन समझो कि कैसा टाइप का क्वेश्चन आएगा ए बच्चा हैप्पी बर्थडे क्यों बोल रहा है रे जब बर्थडे रहता तो विश नहीं करते आज बर्थडे विश कर रहे हो ओके मेरा बर्थडे कब होता है बच्चों है बता देता हूँ ना तुम लोगों को पता नहीं होगा तो सेकंड में बड़ी पुरुषत से पैदा हुआ था मैं सेकंड में 1985 दिस इज माय डेट ऑफ बर्थ ये मैं जन्म लिया था धरती पे प्रकट हुआ था मैं ठीक है <laughs> मतलब बोलते हैं ना ऐसे धरती पे आए मतलब 2000 अरे 1985 वो साल था जब मैं पैदा हुआ था मेरा जन्म हुआ था <laughs> <laughs> मराठीत आपण म्हणतो प्रकट दिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा <laughs> कुछ भी मत लिखो एकदम समझने को ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, है।, है और इस क्वेश्चन को जा रहा है। है? तो चलो एक बताऊंगा ना जाएगा अब ये राइट right एंगल बोले परपेंडिकुलर बोले एकदम मजा आने वाला है यस yes, फोर्थ गलत हुआ बोल रहे हैं कृष्णा बोलते हैं फोर्थ गलत हुआ क्या गलत हुआ बेटा ये करना था आपको अरे क्या गलत हुआ टू थ्री टू सही है बेटा कृष्णा कृष्णा क्या हो गया बेटा ठीक है <coughs> लक्ष्य था इकड़े मुला लक्ष्य दिया एकदम मस्त पैकी कर देते मैं अब देखो ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपकी चांदी है ठीक है अब देखो कभी भी याद रखना हमने एक कंसेप्ट सीखा हुआ है क्या सीखा हुआ है कि कोई भी दो परपेंडिकुलर लाइन होती है कोई भी दो परपेंडिकुलर लाइन होती है एकदम ध्यान से देखना पूरा बेसिक बता रहा हूं इसमें आपका थ्री भी कवर हो रहा है वैक्टर भी कवर हो रहा है और लाइन प्लेन भी हो रहा है थ्री डी के साथ कोई भी दो परपेंडिकुलर लाइन होती है उनके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं ए वन ठीक है इसका डायरेक्शन रेशियो होगा ए टू बी टू सी टू ध्यान से देखना कोई भी दो परपेंडिकुलर लाइन होती है उनके डॉट प्रोडक्ट जीरो होते हैं याद आ रहा है वेक्टर में सीखा था उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है याद आ रहा है कोई दो लाइन है अगर वो परपेंडिकुलर है राइट एंगल पे है उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है ऐसे में इनके जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं ना मुझे एकदम ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ओके इनके जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं इनको मल्टीप्लाई करो ए वन ए टू ए वन ए टू फिर बी वन को बी टू के साथ बी वन बी टू सी वन को सी टू के साथ और इसको प्लस किया तो भी जीरो आता है कोई दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है हमने वेक्टर में सीखा कोई दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उनके अगर डायरेक्शन रेशियोज पता है अब डायरेक्शन रेशियो कैसे होता है जैसे कि मैं बता दूं कि यहां पर ये जैसे ना इसको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो किसको बोलते हैं यहां पर देखो ये जो नीचे होता है ना ये डायरेक्शन रेशियो होता है जो पैरल लाइन वाला होता है ना ये ये डायरेक्शन रेशियो कहलाता है ये तीनों समझ में आ रहा है ए वन बी वन सी वन ऐसे अगर कोई इस तरह का वेक्टर है तो डायरेक्शन रेशियो ये होता है देखो ये इधर वन है और इधर माइनस सिक्स ये टू वन माइनस ये डायरेक्शन रेशियो कहलाता है डायरेक्शन रेशियो कैसे पकड़ते हैं लाइन के अंदर जो आर बार दिया है अगर मुझे समझो आर बार दिया है ए बार प्लस लेमडा बी बार तो ये बी बार वाले तीनों हो, जो होंगे ना आईजी के साथ वो डायरेक्शन रेशियो होते हैं ये और अगर कार्टेशियन दिया इसे तो ये जो होते हैं ना तीनों ये डायरेक्शन रेशियो होते हैं बस ये याद रखो ए वन बी वन सीवन की बात कर रहा हूं अगर कोई दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो समझने की कोशिश कर सब बताऊंगा मजा आएगा अब देख पांच क्वेश्चन तेरे तैयार हो गए एक चीज बताए पांच तैयार देख बेटा मैं जैसे बता रहा था कि डायरेक्शन रेशियो की बात कर रहा था कि बच्चे अभी यहां पर डायरेक्शन रेशियो करने के लिए तुझे क्या करना पड़ेगा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा डायरेक्ट तू ये नहीं बोलेगा ये डायरेक्शन रेशियो थ्री टू लैम्डा और टू कर दिया रुक रुक वो उस फॉर्म में है क्या मतलब फॉर्म क्या होता है एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए अरे वाई माइनस वाई वन अपन बी जेड माइनस जेड वन अपन सी ये फॉर्मेट है क्या यहां सिर्फ एक्स माइनस होना चाहिए यहां तो वन माइनस एक्स है यहां सिर्फ वाई माइनस होना चाहिए यहाँ सेवन वाई ये नहीं चलेगा वाई अकेला करो यहां जेड माइनस बराबर है तो आपको पहले इन इक्वेशंस को ऐसे लाना है फिर जो नीचे मिलेगा वो ए वन बी वन सी वन ले लेंगे बात करता हूं यहां भी देखो यहां टू एक्स माइनस फोर है इसको में करेंगे। कि मैं इसको करता हूं। ये कोई भी करूंगा तो वही करूं। चलो, इधर करते जगह ज्यादा कोई भी बता रहा हूं एक बता रहा हूं समझ लो सब एक ही जैसे पांच क्वेश्चन है देखो ये वन माइनस एक्स है इसमें से माइनस कॉमन लो माइनस तो ये एक्स माइनस वन हो गया अपन टू ये वाई माइनस एट है तो ये वाई और एक करा देता हूं टेंशन मत लो ये ऐसे ही रखेंगे कोई बात नहीं ये जेड माइनस फाइव ये सीधा सीधा इसलिए कोई टेंशन नहीं था यहाँ पर ये भी सीधा सीधा है कोई टेंशन नहीं है सीधा सीधा है तो करने की जरूरत नहीं है अभी देखो बच्चों यहाँ पर ये माइनस यहां दे देंगे माइनस यहाँ दिया तो ये हो गया इस तरह से अभी एक्स माइनस ये अभी देखो ये है ना ये हमारा ए वन है बच्चों ये बी वन है और ये सी वन है समझने की कोशिश करो ये पहली लाइन से हो गया दूसरी लाइन से ये ए टू बी टू और सी टू है मैंने क्या सिखाया दोनों परपेंडिकुलर है ना आप फॉर्मूला लगा ए वन इंटू ए टू प्लस बी वन इंटू बी टू प्लस सी वन इंटू सी टू अब फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं अगर आपको याद है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो ए वन क्या, क्या है देखो फाइव ए टू इज फाइव प्लस बी वन क्या है लिखने की जरूरत नहीं अगर आपको डायरेक्ट आ रहा है तो बी टू क्या है थ्री सी वन सी वन टू है सर और सी टू देखो सी टू वन है बस कर दो आपको लेमडा आ गया टू फाइव इंटू माइनस टू माइनस टेन प्लस थ्री लेमडा प्लस टू इंटू वन टू तो ये माइनस टू प्लस माइनस टेन प्लस टू माइनस एट माइनस एट उधर गया प्लस एट थ्री लेमडा थ्री उधर गया एट अपॉन थ्री ये ऑप्शन सही है क्या लग रहा है बहुत आठ लग रहा है बहुत आठ लग रहा है बहुत आठ लग, 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 लग रहा है नहीं ना एकदम ईजी है ना लेकिन अगर समझो कि आपने इसको चेंज नहीं किया होता तो ये जो टू है इसको माइनस टू नहीं कर दे। आप बोलते हो सर ने सिखाया था नीचे वाले को ए वन बी वन सीवन ले लो ए वन बी वन सी टू और ये आप कर देते अगर ये माइनस नहीं करते इसको जैसे ही रखते तो इसका आंसर क्या आता फिर ये प्लस टेन माइनस टू टेन टू टूल्व आता टन थ्री टूल अपन थ्री फोर आ जाता और गलत ऑप्शन भी यहाँ दिया रहेगा अगर आप इसको लेके करोगे तो फोर आएगा और फोर यहाँ पर दिया है आपका जो गलत आंसर है वो भी आएगा आंसर में तो बस कंसेप्ट क्या है कि आप इस इक्वेशन को ऐसे समझो कि वो प्रॉपर इस फॉर्मेट में है 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 कि नहीं नहीं x- तो तो लाओ अब अब ऐसा ही देखो यहां था. अब देखो यहां तो देखो क्वेश्चन था पर ये भी सिंपल वेरी गुड सीधा कुछ नहीं करो y- माइनस है, oh, है, okay. okay. है इसको बदलने की जरूरत ही नहीं है तो अब डायरेक्ट यह बोला, तो कैसे करेंगे? देखो, यहां पर डायरेक्ट इसका इसमें मल्टीप्लाई करो माइनस थ्री इंटू थ्री के माइनस नाइन के डायरेक्ट सिखा रहा हूँ अभी मैं जो सिखा रहा था इतना लिखने की जरूरत नहीं है अगर आपको डायरेक्ट आ रहा है तो ये लिखना नहीं अगर कंसेप्ट तो डायरेक्ट कैसे करना देखो माइनस थ्री ए वन इंटू ए टू थ्री के इंटू माइनस नाइन फिर बी वन इंटू बी टू टू के इंटू वन तो टू के टू इंटू माइनस फाइव माइनस टेन जीरो अब देखो माइनस नाइन के प्लस टू के तो माइनस सेवन के माइनस टेन वहां गया तो प्लस टेन के इज इक्वल टू माइनस टेन अपॉन सेवन तो ऑप्शन बी सही देखो कितने दो तीन लाइन में भी नहीं आ रहा है दो लाइन में आ रहा है आंसर अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप सीधे नीचे का जो ये डायरेक्शन रेशियो है तीनों और यहां पर जो डायरेक्शन रेशियो है उनका मल्टीप्लाई करके प्लस कर दो समझ आ रहा है आ रहा है बी आंसर अब यहां पर कुछ बदलना क्यों नहीं पड़ा क्योंकि ऊपर स्टैंडर्ड फॉर्मेट है x माइनस है y माइनस है अब यहां पर भी देखो यहां पर x माइनस है y प्लस है तो ये a1 b1 बट ये 3 j दिया है बदलोगे जेड माइनस थ्री करने के लिए माइनस कॉमन लेंगे वो माइनस को नीचे दे दिया तो ये हमारा सी वन हो गया ठीक है बदल दिया हमने फिर ये एक्स माइनस और ये माइनस वन है ठीक है कोई बात नहीं फिर इसको भी माइनस कॉमन लेंगे इधर इधर है जेड प्लस वन के नीचे कुछ नहीं है तो वन है ध्यान से देखना तो ये माइनस और माइनस वन हो जाएगा जेड ये क्या हो जाएगा बच्चों देखो माइनस कॉमन लिया नीचे माइनस आया तो ये थ्री वाई माइनस वन हो गया ध्यान से देखो माइनस कॉमन लिया तो नीचे चला गया अब इसको थ्री से डिवाइड करेंगे

आ आ गया। तो 5 याने भी आ गया। तो मतलब आपको ज्यादा लिखना नहीं है समझ में आ रहा है आप खाली जैसे ये माइनस कॉमन खींच केन माइनस थ्री वाई था वन माइनस थ्री वाई था तो हमने क्या कि पहले सीधा किया थ्री वाई माइनस वन तो एक माइनस आ गया फिर ये थ्री वाई माइनस वन करके वाई अकेला चाहिए थ्री से डिवाइड किया ऊपर नीचे माइनस फाइव आया कितना रॉन्ग हो गया लड़का रॉन्ग बोल रहा है रॉन्ग हुआ क्या रॉन्ग है एक मिनट कुछ रॉन्ग हुआ लगता है देखते हैं बच्चे बोल रहे हैं <coughs> एक मिनट इसको सही से अलग से कर देते हैं कुछ रॉन्ग हुआ क्या देखते हैं देखो ये माइनस कॉमन लिया थ्री वाई माइनस वन अपॉन फिफ्टीन है ये माइनस यहां दे दिया माइनस अभी थ्री से डिवाइड कर दे तो ये थ्री माइनस वन और इसको थ्री से किया तो माइनस फाइव आया फाइव फोर थ्री माइनस फाइव माइनस ना यारे बाबा ऊपर वाला रॉन्ग बोल रहे हैं ऊपर वाला एक मिनट ऊपर वाला देखते माइनस थ्री इंटू थ्री के माइनस नाइन के टू के इंटू वन प्लस टू के टू इंटू माइनस फाइव टू इंटू माइनस माइनस टेन माइनस टेन में आ गया तो प्लस टेन माइनस नाइन में से प्लस टू बेटा करेक्ट है हा? कभी कभी होता है मुझसे मिस्टेक लेकिन मैंने करेक्ट किया मैंने दो बार चेक कर लिया अच्छा उसको लग रहा है कि माइनस सेवन उधर जाएगा तो माइनस सेवन आना चाहिए बेटा यहाँ टेन है ना तो टेन ऊपर है माइनस सेवन उधर गया तो नीचे आएगा माइनस सेवन और माइनस नीचे से ऊपर लेते हैं कभी भी याद रखो तो यहां डी लग रहा है बच्चे को राइट है ना राइट है फिर रॉन्ग बोल रहा है क्लाउड गेमर बोल रहा आपको कर इसको करें इसको करें लेमडा निकालना है, ठीक है कर सकते हो आप करोगे इसको थोड़ा सा इधर से ना देखो डायरेक्ट ये वन माइनस एक्स है तो माइनस कॉमन लिया थ्री नीचे दे दिया ठीक है 7 है इधर ना से डिवाइड तो 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 देखो. देखो, तो बदलना सीखो खाली ये पहले माइनस कॉमन लेंगे तो नीचे माइनस आ गया थ्री लेमडा है ना ऊपर से माइनस तो हो गया फिर सेवन से डिवाइड करेंगे तो एक्स माइनस वन आ गया और सेवन से हमने डिवाइड कर दिया ऐसे फिर क्या हो गया एक बराबर है इसको कुछ नहीं करेंगे और इसको माइनस कॉमन लेंगे 6, और माइनस नीचे दे दिया इस तरह से ये हो गया अब क्या कर सकते हैं देखो जैसा है वैसा लेके कर सकते हैं या उसको चेंज भी कर सकते हैं तो हम लोग जैसा वैसा ही लेके कर देते कोई बात नहीं चेंज करने के लिए सेवन से मल्टीप्लाई कर सकते हो सबको या तो जैसा वैसा रखोगे तो भी चलेगा देखो देखो ये दिस दिस इसका इसमें होगा माइनस माइनस प्लस अपॉन सेवन फिर इसका इसमें होगा टू लेमडावन फिर इसका इसमें होगा टू इंटू माइनस फाइव तो माइनस टेन बराबर जीरो माइनस टेन उधर गया तो प्लस टेन तो लेमडा क्या सेवन टेन दा अपॉन इलेवन तो किधर है देखो किन इलेवन बी आ रहा है समझ में आ रहा है कोई देखो एडमिन जरा देखो जरा चैट में कुछ बच्चे बकवास कर रहे हैं है ना और यहाँ पर भी देखो ये ब्लू कलर का पैनल कर, बंद करो जो फालतूगिरी कर रहा है उसको ये टाइम आउट कर दो या तो अगर कुछ ज्यादा ही गलत लिख रहा है तो उसको हाइड कर दो वो डिस्टर्ब कर रहे हैं कुछ गलत होगा तो आप लोग बताइए हम करेक्शन करेंगे मुझसे गलती हो सकती है ऐसा नहीं कि मुझे मुझसे प्लस माइनस होती समझाने में ध्यान रहता ना तो उस समय थोड़ा कहीं कुछ मिस लिख दिया हमने सम, एक समय टीचर को क्या करना होता है कि टीचर पढ़ा रहा है कंसेप्ट समझा रहा है और मेरा मकसद इसको सिर्फ सॉल्व करना नहीं है मेरा मकसद है कि मैं इसको किस तरह से एग्जाम्पल्स के जरिए ईजी करके आपके दिमाग में फिट करूं अगर सिर्फ सॉल्व कर रहा होता तो मैं कब का कर लिया होता है कि नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं तो ये राइट एंगल है मतलब परपेंडिकुलर तो ये आप कर लोगे यहां भी आप करोगे

है 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 कितना इजी 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 देखो, okay. Option में था अब पता चला साइलेज बोल रहा है. कर रहे? है? अभी पाँच के क्वेश्चन कितने थे खाली मैंने सब बता दिया कुछ इजी आता है कुछ बदलना पड़ता है चलो हो गए पांच क्वेश्चन टू थाउजेंड ट्वेंटी और ट्वेंटी वन के अब वैसा ही क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन देखो वैसा ही क्वेश्चन था क्वेश्चन ऐसा ही है कि दो लाइन आपको दी है इस तरह से और हमको बार बार क्या बोल रहा था ये परपेंडिकुलर है हमको क्या बोल रहा था ये परपेंडिकुलर है अब क्वेश्चन ऐसे ही आएगा अब ये नहीं बोलेगा कि परपेंडिकुलर है कि नहीं है अब हमको बोलेगा ना कि पे इंटरसेक करते हैं किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं यानी दो लाइन है एक लाइन ये है ओके और एक लाइन ये है हमको बोलेगा बताओ ये दोनों लाइन जो है ये दोनों लाइन जो है जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है ये पॉइंट निकालो ये पॉइंट निकालो समझ में आ रहा है वी हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये पॉइंट निकालना है अब ये क्वेश्चन कब आया है जरा बता दें हम आपको आ, ये बहुत सारे क्वेश्चन है देखो एक दो तीन चार पांच छ छे बार ओके कितनी बार एक दो तीन चार पांच छह बार छे बार ये क्वेश्चन आया है इसमें से मैं बता दू आपको कि ये लगभग मुझे लग रहा है ये वाला क्वेश्चन 2021 में आया और बाकी के जो क्वेश्चन हैं सारे 2020 2019 मतलब हर साल इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है कि बाबा क्या दिया है कि कोई दो लाइन जो है इंटरसेक कर रही है ये लाइन और ये लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक कर रही है समझ में आ रहा है तो बताओ अब एक तो ये पूछेगा ये ऐसा कि बताओ कि वो कौन से पॉइंट पर इंटरसेकट कर रही है समझ में आ रहा है कौन से पॉइंट पर इंटरसेकट कर रही है पहला क्वेश्चन ये होगा तो ऐसे देखो हमने दो वेराइटी के क्वेश्चन लिए कि अगर दो लाइन ऐसे दिया है ये दोनों लाइन एक दूसरे को काटती है ऐसे उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा वो दूसरा कि अगर कोई दो लाइन इस तरह से जैसे था वैसे ही है ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेकट कर रहे हैं क्या कर रहे हैं इंटरसेक्ट तो ऐसे में जो एक अनोन वैल्यू के है यहाँ पर के वो कितना होगा के की वैल्यू क्या होगी वैसा भी तीन चार क्वेश्चन वैसे आए हैं अनोन वैल्यू निकालने की अगर कोई दो लाइन एक दूसरे को कट कर रही है तो ओके ठीक तो है काय 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 दिनेश सर मुरूटकर का <laughs> <laughs> चला तो पहले हम इसके अंदर भी पहला टाइप देखते हैं ये सारे पीवाईक्यूज हैं एकदम ध्यान से देखना पहला टाइप ये देखेंगे कि अगर कोई दो इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो कौन से पॉइंट पे कट कर है इसका निकालना क्या है कि देखो बच्चों अगर कोई पॉइंट है अगर वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो वो दोनों लाइन पे होगा दोनों के ऊपर कॉमन पॉइंट होगा मतलब इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये इन दोनों के इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए दोनों के इक्वेशन को सेटिस्फाई तो हम क्या करेंगे ये जो है, इसको एक्स वन वाई वन जेड वन समझ के इसको यहां पर एक्स वाई जेड की जगह पे ये पॉइंट रख के देखेंगे कि क्या ये तीनों इक्वल आ रहा है ऐसे सबसे पहले एक्स की जगह इलेवन रखो इलेवन प्लस ट्वेल्व अपॉन माइनस टेन माइनस फोर रखो माइनस फोर प्लस थ्री माइनस वन अपॉन माइनस ये सेम नहीं आ रहा है तो पहला ऑप्शन मैच ही नहीं हो रहा पहला ऑप्शन गलत हो गया दूसरा रखते देखो ध्यान से देखो दूसरा मैं ऑप्शन रख रहा हूं

ये पॉइंट इसको भी मैच हो रहा है दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए समझ में आ रहा है दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए कैसे करेगा अब देखो इसको माइनस इलेवन प्लस टेन तो माइनस वन अपॉन माइनस वन फिर वाई की जगह माइनस फोर रखा माइनस फोर प्लस वन माइनस थ्री अपॉन माइनस थ्री फिर जेड की जगह फाइव रखा फाइव माइनस वन फोर अपॉन फोर अरे ये भी सब कट जाएंगे वन आएगा मतलब ये दोनों मैच हो रहे हैं। मतलब ये रेशियो सेम आना चाहिए तीनों आ रहा है सो बी ऑप्शन सही है खत्म 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 बस इतना इजी होता है बोर्ड मेथड मत करना डायरेक्ट सीटी मेथड करना सीटी मेथड क्या है कि डायरेक्ट आंसर को उठा के क्वेश्चन में डाल देने का और देखने का कि मेरा आंसर आ रहा है कि नहीं ये होता है सीटी मेथड समझ में आ रहा है अभी मैं चाहूंगा कि ये वाला सिमिलर क्वेश्चन है पीवाई क्यू है क्या आप कर पाएंगे कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है दोनों को होना चाहिए एक को होगा तो नहीं चलेगा ये मुझे जल्दी से इसका आंसर बताओ ये पानी वगैरह दो यार चाय ला सकते हो नहीं दोनों लाइन का चिन्ह में पूछ रहा है कि जैसे इसका रेशियो वन आया इसका भी वन ही आना चाहिए ऐसा नहीं है बस ये तीनों सेम होना चाहिए इसका रेशियो समझो वन आया इसका कुछ और आया बट सेम आया तो चलेगा जरूरी नहीं कि दोनों का वन आए ठीक है सेकेंड अटेम्प्ट बेटा एग्जाम होने के बाद पता चलेगा दोनों लाइन को दोनों लाइन को प्लेन आएगा ना बेटा प्लेन कर रहे हैं ये आ रहा है क्या आंसर वी आ रहा है नहीं सेम होगा तो एक ही नहीं कुछ भी आ सकता है ऐसा जरूरी नहीं किसी बी बोल रहे हैं बच्चे चलो बी को मैच करते हैं सभी लोग बी बोल रहे हैं तो बी को देखते हैं ये बी बोल रहे हैं रख माइनस थ्री बाई टू ठीक है माइनस फाइव माइनस वन तो माइनस सिक्स बाई फोर वो भी माइनस थ्री बाई टू आया मतलब चलो माइनस थ्री बाई टू इसका आ गया ये सेम है वेरी गुड ये मैच हो रहा है अब ये यहां रखते अलग कलर में रखते हैं चलो और ये तो ये अलग आएगा तो चलेगा बट आपस में सेम होना चाहिए मतलब ये वाला जो पॉइंट कर रहा है ये इसके तीनों रेशियो इक्वल आ रहे हैं ये भले अलग आ रहा है ये अलग आ रहा है बट आपस में सेम होना चाहिए ये दोनों सेम नहीं होंगे तो चलेगा यहाँ दोनों सेम हो गए थे तो भी ये क्या बोलेंगे भाई ये बी वाला ऑप्शन सही है आपने सही निकाला कॉन्ग्रेचुलेशन अपने आपको शाबाशी दे दो वेरी गुड मेरी तरफ से शाबाशी आपको कांग्रेचुलेशन बच्चों ठीक है आपको ये सही देखो कुछ नहीं है बेटा थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा मैं खुद टाइम निकाल के आपके लिए कर रहा हूं मुझे करना है करना है करना है तो आज एकदम मैं जबरदस्त तरीके से आप देख रहे हो मैं बता रहा हूं कि सिमिलर क्वेश्चन है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है कोई लंबा मेथड नहीं कोई फॉर्मुला नहीं ऐसे करना है लफड़ा तब होगा जब ऐसा क्वेश्चन आएगा पर ऐसा क्वेश्चन देखो ये 2021 में आया है 2020 में आया 19 में आया 18 में आ ही रहा है कि कि बाबा कोई दो लाइन दिया है बोला है बोला इसके आ, ये इंटरसेक करते हैं intersect करते हैं तो उसका पॉइंट ये निकालो ठीक है तो बच्चों देखो इसमें एक कंसेप्ट होता है अगर कोई दो लाइन इंटरसेकट करती है ठीक है एक्चुअल में एक फॉर्मूला होता है मैं आपको बता दू की डिस्टेंस बिटवीन एनी टू स्क्यू लाइन जो भी हम लेंगे डिस्टेंस बिटवीन एनी टू स्क्यू लाइन होता है इस तरह से क्या फॉर्मूला होता है कि कोई भी दो बच्चों डिस्टेंस बिटवीन एनी टू स्क्यू लाइन यहां पर मैं बता दू आपको एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन ए वन बी वन सी वन और ए टू बी टू सी टू ये फॉर्मूला होता है अपॉन रूट में फिर इनका ऐसे क्रॉस करके यहाँ लिखते हैं पहला माइनस स्क्वायर है ना प्लस फिर इनका ऐसे लिखेंगे माइनस करके स्क्वायर प्लस फिर पहले का तीसरे का तीसरे का यहाँ लिखेंगे माइनस मतलब ऊपर वाला आंसर और नीचे मैच होता है तो ये एक पॉजिटिव डिस्टेंस आता है डिस्टेंस फॉर्मूला इफ एनी टू लाइंस आर देयर अगर कोई दो लाइंस है स्पेस में वो स्क्यू लाइंस है स्क्यू लाइंस क्या होता है कि अगर कोई दो लाइन्स है बेटा वो ना तो पैरल है ना इंटरसेक्टिंग है वो पैरल भी नहीं है इंटरसेक्ट भी नहीं करे देखो कोई भी दो लाइन या तो पैरल होती है इस तरह से एक ही डायरेक्शन में या तो पैरल नहीं है तो वो इंटरसेक्ट करती है दूसरे को जाके काट देगी लेकिन अगर स्पेस की बात करें एक लाइन यहां जा रही है टैंट एन एक दूसरी लाइन वहां जा रही है समझ रहे हो टैंट तो ये दोनों लाइन कभी एक दूसरे को मिलेंगे नहीं दोनों का रास्ता ही अलग है तुम समझो आज महाराष्ट्र के अंदर घूम रहे हो आ हा 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 और एक बंदा अमेरिका में घूम रहा है आ हाँ तुम कभी एक दूसरे को काटोगे नहीं काटोगे सो यू बोथ आर स्क्यू समझ में आ रहा है ये स्क्यू होती है अब जो स्क्यू लाइन होती है उनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का ये फॉर्मूला होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हम क्वेश्चन लेंगे ऐसा तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला लेकिन समझो कि कभी कोई ये तो दो लाइन है स्क्यू लाइन्स है समझो वो स्क्यू लाइन ना होकर लाइन है वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दे तो अगर कोई दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है जीरो हो जाएगा इस पॉइंट पे इफ टू लाइन इंटरसेक्ट मतलब ये जो ये जीरो हो गया. अगर कोई दो इंटरसेक्ट करती है तो ये वाला डिटरमिनेंट जीरो होता है, अगर कोई दो लाइन पैरेलल है तो वो कोप्लेनर होगा अगर इंटरसेक्टिंग है तो कोप्लेनर होगा अगर वो स्क्यू लाइन है दोनों अलग अलग जा रहा है एक यहां जा रहा है एक यहां जा रहा है तो ये कोप लेनर नहीं है अलग अलग प्लेन में है दोनों समझ रहा है अगर वो पैरल है तो एक ही प्लेन में है अगर इंटरसेक्टिंग है तो एक ही प्लेन में है स्क्यू लाइन है समझ में आ रहा है स्क्यू लाइन है ऐसे तो वो अलग अलग प्लेन में है तो अब यहां पर एक ही याद रखना है कि ये लाइन अगर इंटरसेक्ट करिए मतलब कोप लेनर है मतलब उनके बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस जीरो है मतलब ये जो डिटर्मिनेंट है ये फॉर्मुला हम यूज कर सकते हैं अब देखो ये तीन चार क्वेश्चन है सब में एक ही फॉर्मुला हम यूज करेंगे ठीक है कैसे करेंगे देखना मैं बताता हूं okay. देखो अब सबसे पहले हम लोग ये क्वेश्चन ले लेते हैं 2021 का देखो कैसे करना है एकदम ध्यान से देखना यहां पर सबसे पहले बता दू ये देखो ये ए वन होता है ए वन बी वन सी वन आपने जो कंसेप्ट सीखा वही बता रहा हूं कुछ नया नहीं बता रहा हूं ओके ये क्या है ए टू b2 और c2 देखो a1 b1 c1 आ गया a2 b2 c2 आ गया अब देखो ये जो ऊपर होता है देखो ध्यान से देखो x 1 upon a2 ध्यान से देखना ये जो प्लस है इसको माइनस करना है ओके okay. 3 z 1 बराबर है ठीक है इसका उत्तर है ये क्या है देखो एंड x 3 बराबर है 1 y मैं एक बार मैं लिख रहा हूं इसको z upon 1 अब z माइनस नहीं है तो 0 ले लो ऐसे समझ में आ रहा फिर से देखो एक बार सीग्लो सब आ जाएगा ये जो है ये क्या है ए वन ये बी वन और ये है ए टू बी टू सी टू यह डायरेक्शन कहलाते हैं याद रखना ये जो ऊपर है ना बच्चों ये ऊपर है उसको एक्स वन वाई वन जेड वन लेना माइनस छोड़ के ये एक्स वन ये वाई वन समझ रहे हो और ये समझाने के लिए इतना लिख रहा हूं मैं जेड वन ये एक्स टू ये वाई टू ये है और ये Z2, इस तरह से आपको खाली पहचानने आना चाहिए कि नीचे वाले जो A1, B1, C1 क्या बताया कि इसको सॉल्व करने के लिए आप ऐसा एक डिटर्मिनेंट ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं इंटरसेक्ट मतलब इनका शॉर्टेज डिस्टेंस जीरो होगा शॉर्टेज डिस्टेंस का जो फॉर्मूला था उसमें से डिटर्मिनेंट जीरो होगा। नीचे क्या करते हैं बीच वाले में ए वन बी वन सी वन टू थ्री फोर लिखते हैं टू थ्री फोर यहां पर ए टू बी टू सी टू लिखते वन टू वन वन टू वन कैसे कर रहे वन करते हैं क्या करते हैं बच्चो एक्स टू माइनस एक्स वन जिसको नहीं समझ में आ रहा से देखो देखो ये एक्स टू है थ्री थ्री माइनस वन तो टू आ गया फिर वाई टू माइनस वाई वन करते हैं ऊपर वाई टू क्या है माइनस माइनस वन तो K plus one. के प्लस वन फिर जेट टू क्या जीरो जीरो माइनस वन माइनस वन कैसे लिया सर अरे मैंने अभी बताया ना फॉर्मूलाई टू माइनस वाई वन जेट टू माइनसिनेंट जीरो बस ये फॉर्मूला है जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करेगी ये डिटर्मिनेंट निकालने का आ गया देख मैंने डायरेक्ट कर दिया ज्यादा फॉर्मूला लिखना नहीं आप ये सब लिख के दिखाओ मत बोर्ड थोड़ी दे रहे हो गया ओके ओके शॉर्टेज डिस्टेंस का आता है हाँ इससे हो जाएगा यस ये बताता हूँ रुको शॉर्टेज डिस्टेंस का ही फॉर्मुला चला रहा हूं मैं हाँ अब इसको सॉल्व करो आंसर आ जाएगा कैसे सॉल्व होगा चलो ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करो और आंसर आ गया आपका देखो ये प्लस माइनस प्लस ठीक है टू फिर थ्री वन जी माइनस फोर टू जा एट थ्री माइनस एट थ्री माइनस एट माइनस फाइव डायरेक्ट करने का हाँ? फिर माइनस के प्लस वन ये किया टून जो माइनस फोर टू माइनस फोर माइनस टू फिर प्लस माइनस माइनस वन फिर माइनस वन किया टू टूर माइनस कुछ नया नहीं है माइनस टेन माइनस माइनस प्लस के प्लस वन ओह टू 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 भी है माइनस माइनस प्लस के प्लस वन इंटू टू टू के प्लस टू माइनस वन इक्वल टू जीरो टू के देखो माइनस टेन प्लस टू माइनस एट माइनस एट एंड माइनस वन माइनस नाइन उधर गया तो प्लस नाइन के इज इक्वल टू नाइन बाई टू के इज इक्वल टू नाइन बाई टू की तरह ये डी ऑप्शन आया आपका डी यस yes. आ रहा समझ में आ रहा है समझ में एक हार से ज्यादा हो गया तो क्या करें बस एक घंटा टारगेट तोड़िए अरे बहुत ज्यादा क्वेश्चन है यस yes. आया समझ में अरे आपको समझना है मैं बता रहा हूं सारी चीजें जितना मैं आज बता रहा हूं उतना कर लिया ना तो तेरा लाइन प्लेन तैयार है बेटा कुछ बच्चे बोल रहे हैं एक घंटा हो गया चैप्टर खत्म क्यों नहीं हुआ अरे भाई ये चैप्टर को ज्यादा टाइम दे रहे हैं ना अभी मैं चाहूंगा ये या तो ये वाला क्वेश्चन और कोई था चलो मैं चाहूंगा ये क्वेश्चन करो जल्दी से अब भी करके दिखाओ जल्दी से देखो आ रहा है कि नहीं ये क्वेश्चन जल्दी ये वाला ये करो ये भी इंटरसेक्ट है देखो इंटरसेक्ट सिर्फ डिटर्मिनेंट लेना है अरे सेप स्कोर कुछ नहीं होता अरे क्या पूछ रहे तुम लोग पागल जैसे सब तुम लोग ऐसे पूछते बाद में सब वीडियो बना के टाइम पास करते हैं सेब स्कोर ये वो बक पागल देख ए वन बी वन सी वन टू थ्री फोर समझने की कोशिश करो टू थ्री फोर हो गया अभी इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन पहले देखने का स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना हाँ है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन वन टू वन है ना स्टैंडर्ड फॉर्म रहना चाहिए फिर एक्स टू माइनस एक्स वन तो ये थ्री माइनस वन टू फिर वाई टू माइनस वाई वन के और ये माइनस है माइनस माइनस वन याद रखना प्लस नहीं माइनस होना चाहिए के माइनस माइनस वन तो के प्लस वन वापस वैसे ही आ रहा है फिर ये जेड के साथ जीरो है जेड माइनस जीरो जीरो माइनस वन तो माइनस वन ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करो बस हो गया आपको निकालना क्या के की वैल्यू आ गया मतलब इतना इजी है मैट्रिक्स किया था ना डिटर्मिनेंट बस वो डिटर्मिनेंट इसमें से बनाना आना चाहिए आएगा क्वेश्चन बाद में तू पछताएगा अगर ध्यान नहीं दे रहा है तो और जो ध्यान दे रहा है वो खुश हो जाएगा वाह यार ये अच्छा हुआ मैंने किया था जिसको हंड्रेड परसेंट डाली चाहिए ना नाइनटी नाइन प्लस तो भाई करना पड़ेगा ऑप्शन तो में छोड़ेगा तो नहीं चलेगा अरे ये भी नाइन बाई टू आ गया क्या क्या बात है क्वेश्चन सेम है क्या नाइन बाई टू कैसे आ रहा है अरे क्वेश्चन ही सेम था अच्छा क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है मतलब देखो यहाँ पर एक्स माइनस थ्री अपन वन और जेड अपन वन था यहां एक्स माइनस थ्री अपन वन दिया ही नहीं था तो हमने किया दो क्वेश्चन अलग अलग सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है आंसर यहाँ पर ए है नाइन बाई टू सेम क्वेश्चन है यहां भी देखो नाइन बाई टू ही था बट वो डी ऑप्शन था एक ही क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या बात समझ रहे हो कर लोगे ना अभी आगे जाते अगला टाइप हाँ यस yes, आप पढ़ाओ कलच बोलता है पढ़ाओ हम पढ़ रहे हैं यस यस अच्छा चाय चाहिए <laughs> भाई यार तुम लोग के घर घर पे आइए ये आई चाय लाई बोलोगे तो आ जाएगा मैं मेरे स्टूडियो में हूं हमारे एडमिन खाली हेल्प कर रहे हैं <laughs> चलो ये स्क्रीन ये सब आपको होमवर्क है ये वाला ये आप करोगे ठीक है ये वाला भी होमवर्क है ये आपको सारे पी क्यूज है बच्चों ध्यान देना एकदम ठीक है ये हो गया चलो अभी अगले टाइप पे लेते हैं अब सबसे मस्त तो मजेदार क्वेश्चन आया है एंगल निकालने का एक मिनट एंगल निकालने का कभी का क्वेश्चन है बता दू आपको ये क्वेश्चन है ओल्ड दो हजार चार से 2004 दो हजार बीस तक के क्वेश्चन में से निकाला है देखो तो क्वेश्चन वैसे ही है सर क्या बोल रहे हैं वॉचिंग इज नॉट इक्वल टू लाइक जाने दो तो मैं वॉचिंग के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं मेरे को ये चैप्टर कल मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मैं घर गया था मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने यार आज अपना हंड्रेड परसेंट देने की कोशिश की एंड बच्चों को मैंने जितना सोचा था उतना अच्छे से पढ़ाने की कोशिश की भले कितने भी बच्चे आए उससे मतलब नहीं है कितने भी लाइक मिले या नहीं मिले मैंने अपना काम किया ना बस आज मैं वही सोच के सुबह आया हूं कि आज मुझे कैसे भी करके इस चैप्टर को एकदम अच्छे से आपके दिमाग में उतार देना है बात खत्म कोई अगर सुबह आए पढ़ने नहीं आए सो रहा है जाने दो मैं अपना काम करूंगा और जो बच्चा मेरा सीरियसली वहां पढ़ रहा है सामने से वो अगर अपना काम कर ले क्योंकि सभी बच्चे तो नाइनटी फाइव के ऊपर के ऊपर ये चैप्टर जो करेगा वही जा पाएगा क्योंकि इसको ही तो सब छोड़ रहे हैं ओके okay, और मैं आपको बता दूं कि दो सौ मार्क में से अगर मैथ्स की सिर्फ बात कर दे टोटल मार्क कर दें, तो वन सिक्सटी या वन सिक्सटी फाइव वगैरह कोई ही नाइन्टी नाइन परसेंटाइज आ जाता है समझ रहे हो तो वहां पर अगर बहुत ज्यादा बच्चों ने लाइन प्लेन वेक्टर को छोड़ दिया तो बहुत ज्यादा बच्चे 130, 120 वन ट्वेंटी में रहेगा में जिन बच्चों ने ये टफ क्वेश्चन जिन दूसरे बच्चों ने छोड़ दिया था वो कर लिया और इसके क्वेश्चन राइट हो गए तो उसका स्कोर बढ़ जाएगा 150, 160 और ऐसे बच्चे जो है वो मैक्सिमम परसेंटाइल नाइनटी एट परसेंटाइल नाइनटी परसेंटाइल हो सकता है कि वो हंड्रेड परसेंटाइल तक भी पहुंच जाए दो में से दो लाना ही परसेंटाइल नहीं है 160, 170, आपके शिफ्ट के टफनेस के ऊपर है आपके शिफ्ट में कितना टफ पेपर आता है तो आपका परसेंटाइल किसके ऊपर डिपेंड करता है कब कब आएगा या 100 कब आएगा या कि वो वो क्वेश्चन क्वेश्चन जो आपके आपके ने छोड़ दिया था आपके शिफ्ट में वो question भी आप राइट करके आए तो आपका परसेंटेज बढ़ जाएगा क्योंकि जैसे ही देख दो ही तरीका है या तो तू अपने मार्क्स को बढ़ा ले या दूसरों के मार्क्स कम हो जाए अब दूसरों के मार्क्स कम करना तेरे हाथ में है नहीं बेटा वो अपनी मेहनत से जो लाएगा लाएगा लेकिन अपने मार्क्स को बढ़ाने के लिए दूसरे मार्क्स को दूसरों के मार्क्स से अपना मार्क्स तब बढ़ेगा कि दूसरों ने जो क्वेश्चन नहीं किए जो चैप्टर छोड़ दिए हैं उन चैप्टर्स को अगर तू करके वो क्वेश्चन सही कर लेता है तो दूसरों के मार्क्स से तेरे मार्क्स ज्यादा आ जाएंगे और तेरह परसेंट डाली इंक्रीज हो जाएगा उससे बस ये याद रखना है ठीक है तो अब ये जो नया क्वेश्चन आया ये क्या कहता है नया क्वेश्चन नया क्वेश्चन कहता है ये अरे बड़ा हो जा हा नया क्वेश्चन कहता है कि एंगल निकालो अब ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं अब बोलोगे सर अभी अभी तो आया आप बोलते कर चुके ऐसा कैसा करते चूना मत लगाओ करके अरे <laughs> कभी किया सर कभी किया अरे किया ना वेक्टर में बोले कभी किया अरे वेक्टर में कैसे देखो किसी भी दो लाइन के बीच में अगर एंगल निकालना है उसका फॉर्मूला मैंने दिया था कॉस थीटा ए वन ए टू प्लस बी अपॉन रूट में ए वन स्क्वायर रूट में ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस अब फॉर्मूला लिखने में इतना लंबा है लेकिन है बहुत इजी कल हमने किया था ये आपको अगर याद आ रहा है बट वहां पे वेक्टर था तो ये लाइन है कोई बात नहीं ना देखो बच्चा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखने का देखो दो लाइन है ये पहली लाइन है इस पहली लाइन में देखो ये एक्स माइनस वाई वन हा बर है तो ये ए वन है ये बी वन है ये सी वन बिल्कुल अभी जो कर रहे थे वही है बच्चा परपेंडिकुलर वाला किया ना राइट right एंगल वैसे ही है और ये क्या देखो ये बराबर है हाँ ये बराबर है तो ये ए टू है बी टू है और ये सी टू है रख दो कॉस थीटा आ जाएगा थीटा आ जाएगा जैसे कि ए वन ए टू देखिए ए वन वन है इन टू एक मिनट ए वन ए टू यह ए वन टू है और ए टू वन टू वन जा टू प्लस बी वन बी टू माइनस टू इंटू टू माइनस फोर सी वन सी टू वन इंटू टू टू आ गया ऊपर अपॉन रूट में देखो ए वन बी वन सी वन तीनों का स्क्वायर करके प्लस करो

होगा होगा, तो तो है थीटा जीरो है? 90 जीरो है, जीरो है, है। कब होता 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 कितना 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 आ आ आ आ आ गया? 90 आ गया? थीटा कितना गया? 90 आ गया? गया? ये सही है। क्या लग रहा है हार्ड लग रहा है अरे बहुत हार्ड बहुत तू चमका के मटका के चलती है जैसे तो लाइन प्लेन भी लगता है इजी तो मेरे को तो यस तो बस ये एक फॉर्मूला है यस yes, इस फॉर्मूले को हम बार बार यूज कर रहे हैं यहां पर हमें सिर्फ ए और बी चाहिए ए वन बी वन सी वन और ए टू बी टू सी टू ये होते क्या है किसी भी लाइन के अंदर ऐसे डायरेक्शन रेशियोज होते हैं ए वन बी वन सी वन नीचे वाला और ए टू बी टू सी टू कैसा लग रहा है सही है सही है बेटा <laughs> अभी मैं चाहूंगा कि आप ये क्वेश्चन करो ये क्वेश्चन करो द एंगल बिटवीन द लाइन्स दिस फोर यह करो फोर वन एट अगर आपको आ गया तो फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं

अपॉन नाइन इन टू थ्री नाइन टू सा एटीन टू अपॉन थ्री तो देखो मेरा कॉस थीटा आया टू अपॉन थ्री कॉस थीटा क्या आया टू अपॉन थ्री मेरा आंसर क्या आएगा एक मिनट ये देखो ये आंसर इधर है नीचे एक मिनट इसको छोटा करते चलो आ गया क्या है देखो डी ऑप्शन सही है कॉस इनवर्स टू बाई थ्री ना अब ये थीटा यहां रहेगा कॉस वहां गया तो कॉस इनवर्स टू बाई थ्री आ गया कितना इजी है यहां पर डायरेक्ट जीरो आया तो कॉस नाइनटी जीरो से नाइनटी मिल गया बट स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं आएगा तो जो भी आया कॉस को उधर कर दो कॉस इनवर्स आ गया खत्म तो कभी भी एंगल निकालने आया तो आप ऐसे करोगे ऐसे करोगे ठीक है अभी देखो वापस से आया है यही है एंगल बिटवीन वापस से वही है एंगल बिटवीन देख रहे हो करो जल्दी जल्दी करो देखो आ रहा है क्या आ रहा है क्या देखो जल्दी जल्दी बताओ मुझे एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन द लाइंस सब पी वाई क्यूज है आ जाएगा आपको ये वही क्वेश्चन है क्या एक मिनट देखते हैं आ, फोर वन एट अरे ये तो वही है ये वही क्वेश्चन है ये क्वेश्चन देखो एक ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है टू टू वन जेड माइनस फोर ये वही क्वेश्चन है जो अभी हमने किया था ये रिपीट हो गया बच्चों ये रिपीट हो गया क्वेश्चन ठीक है। है ये रिपीटेड क्वेश्चन ठीक है। सेम है वही है तो इसको हम हटा देते चलो इसको हम थोड़ा सा हटा देते इसको, इस तरह से ठीक है इसको हम हटा देते चलो इसको लगा देते यहां पर ठीक है चलो इसको लगा देते एकदम ध्यान से देखो ये क्वेश्चन रिपीट है ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है अब ये क्वेश्चन देखो बदल गया है ये रिपीटेड है रिपीट हुआ है रिपीट हुआ है मतलब पीवाई क्यू रिपीट हो रहा है बच्चों एकदम नंबर के साथ रिपीट हो रहा है ओके अब देखो यहां पर वही क्वेश्चन है कर लोगे थीटा डायरेक्ट करने का डायरेक्ट देखो मैं डायरेक्ट करता हूं वन इंटू टू 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 इंटू टू फोर टू इंटू माइनस वन तो देखो का का खत्म खत्म क्या जाएगा खत्म आया क्या लग रहा है देखो बड़े बड़े क्वेश्चन अभी तुम यही सोच रहे थे कि सर इस क्वेश्चन को आप कितना लेंथी बता रहे हो ऐसा फॉर्मूला अब इसी क्वेश्चन को मैंने इतना लेंथी इसलिए किया क्योंकि बोर्ड मेथड किया या तो ऐसा शॉर्टकट मेथड किया जिसमें फॉर्मूला लिख रहा हूं बट तो आपके दिमाग में अगर ये फॉर्मूला प्रिंट हो चुका है तो आपको फॉर्मूला लिखना ही नहीं है ना आप डायरेक्ट देखो ऐसा कर सकते हो तो बस एक लाइन में आंसर आ रहा है क्या लग रहा है सही है बार बार ऐसे क्वेश्चन आ रहे कर लोगे ना कर लोगे ना अब देखो क्वेश्चन बदल रहा है अब क्वेश्चन बदल रहा है मेरा देश बदल रहा है यहां क्वेश्चन बदल रहा है

बड़ा बदनसीब होते हैं बच्चे जब क्वेश्चन समझ में आता है ना कि भाई एंगल कैसे निकाल लेगा सर आ आ गया मजा मेरे को आ रहा है और देखो यहाँ पर शांति बोलता है मजा आ रहा है मेरी मेरी जान पागल ऐसा बोल मत वाइफ घर पे देख रही होगी लाइव चैट तो समझ रहा है घर पे जाके सुनना पड़ता है ये क्या है कल बताया था ना ठीक है तुम बोल सकते कोई बात नहीं तुम लोग के लिए छूट है चलो ठीक है तो अभी देखो मैं जो बता रहा था कि जैसे ही हम लोग को क्वेश्चन समझ में आता है क्वेश्चन ही बदल देते ये लोग क्वेश्चन ही बदल देते अभी एंगल निकालना आ गया था सर समझ में बट ये देखो क्या किया इसने एंगल क्वेश्चन ही बदल दिया क्या क्वेश्चन है द एंगल बिटवीन द लाइन हाँ हमको आता है कॉस्ट सीटा यस ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू आता है सर लेकिन सर ए वन बी वन कैसे निकाले कार्टेशियन था तो हम इसको ए वन बी वन सी वन लेते थे अभी इसमें क्या करेगा अरे डरने का नाम बताएगा। देख ये जो पहली लाइन है ये ए बार और ये कभी का क्वेश्चन है कि ये 2019 और 2019 और 2020 के क्वेश्चन लिए बी बार होता है ये हमको डायरेक्शन रेशियो देगा ये हमको डायरेक्शन रेशियो देगा इसके साथ क्या गोटा वन माइनस वन और वन ये हमारा पहला डायरेक्शन इश्यू है वन माइनस वन वन और अरे और ये देख यहां तो सीधा है ये ए टू बी टू सी टू ये तो सीधा दिया है ये तो वैसा ही दिया बट इसको घुमा दिया था तो डरना मत डायरेक्शन नीचे यहां से निकालना ये वन है ये माइनस वन है और ये प्लस वन है समझ गया खत्म अब देख ये ए वन और ए वन और सी वन ए और सी ऐसा है तो ए वन है

क्वेश्चन बदल दिया तो अभी डरने का नहीं डरने का नहीं ओके यहां पे जैसे ए बी सी निकालते ना इसके अंदर ये सेकंड लेमडा के बाद जो होता है उसके आईजी के, के को, को लेने का अभी देखो वापस क्वेश्चन बदल दिया अब क्वेश्चन और बदल दिया अब क्वेश्चन बदल रहा है वही क्वेश्चन है अब बदल रहा है क्वेश्चन क्या बदल रहा है देखो क्वेश्चन बदल रहा है क्या कि अब दोनों भी दे दिया है कार्ट वैक्टर फॉर्म तो ये A bar plus lambda. तो ये जो है ना हमको ए वन बी वन और सी वन देगा याद रखो मैंने बताया सेकेंड पार्ट लेमडा के बाद कौन है ये और ये लेमडा के बाद है ए टू बी टू सी टू देगा खत्म फॉर्मूला वही लगा दो आंसर आ जाएगा तो क्वेश्चन बदल जाएगा तो तुम नहीं बदलोगे मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे क्वेश्चन की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे तो अगर बदल गया क्वेश्चन तो भाई सोल्यूशन तो हम सेम रखेंगे फॉर्मूला वही है साथ देखो आई के साथ वन है आई के साथ टू है तो वन इंटू टू टू जे के साथ वन जे के साथ वन वन इंटू वन वन के के साथ टू के साथ माइनस वन टू इंटू माइनस वन माइनस टू आ गया फिर रूट लेते रूट

सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आए आप सब कर लोगे प्रैक्टिस भी हो रही है ए अलग अलग क्वेश्चन बदल रहा है तो कैसे करना है डरना नहीं है ठीक है अब प्लेन के कुछ क्वेश्चन लेते हैं प्लेन के कुछ क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं बार बार अब ये जो प्लेन का क्वेश्चन हमारे पास आया है डरो मत टाइम होता है जाने दो तो बहुत क्वेश्चन है अपने पास प्लेन के क्वेश्चन देखो 2021 में आया हुआ प्रश्न दिस क्वेश्चन वाज देयर इन 2021 क्या कहता है क्वेश्चन कभी का है दोन हजार एक आलेला। दोन दोन प्रश्न सारखे होते बगा एक नवे तर दो दो प्रश्न ओके okay. दो 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 प्रश्न एक देखो दो दो प्रश्न है भाई आज का सेशन मैं खुद बता रहा हूं कि मैंने ऐसे कभी भी लाइन प्लेन नहीं पढ़ा है इतना एनालिसिस के साथ नहीं पढ़ा है आज का सेशन मेरा बिल्कुल पिछले सालों से बिल्कुल डिफरेंट है आज के सेशन में 2021 के बहुत सारे पेपर्स जो थे दस पेपर उनकी एनालिसिस के साथ और 2020 और 19 2018 तक मिक्स करके कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है देखो आपके सेशन में तीन या चार क्वेश्चन पूछेगा इससे तो इतने सारे बता रहा हूं इसी में से कोई तुम्हारे सेशन में आएगा कोई दूसरे तीन तुम्हारे दोस्त के सेशन में आएंगे कोई दूसरे दो तीन तुम्हारी सहेली के सेशन में आएंगे और मिला जुला के यही आएगा और कुछ आएगा नहीं मैं बता रहा हूं ध्यान से देखो अब देखो इफ द लाइन लाइज इन द प्लेन देन द वैल्यू ऑफ एम इस तो बच्चे ध्यान से देख बेटा ये बोलता है ना ये एक लाइन है इस प्लेन में है ध्यान से देख बोलता है कि ये प्लेन है, है उड़ जाओ सर अच्छा ठीक है बाबा उसके अंदर एक लाइन है बोलता है कि ये जो लाइन है ये लाइन इस प्लेन के अंदर है तो है होने दे तो बोलता है इसमें अननोन वैल्यू एम निकालो अब यहां प्लेन आ गया और लाइन आ गया सर ये क्या खिचड़ी कर रहे हो लाइन और प्लेन को खिचड़ी क्यों कर रहे हो अरे भाई होएगा एग्जाम में खिचड़ी होती है ऐसे तो बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है ये देखो अगर कोई लाइन किसी प्लेन में है तो इस लाइन के हर एक पॉइंट इस प्लेन के इक्वेशन को करेंगे समझने की कोशिश कर देख बच्चा अपने को पता है हाँ पता है कि ये एक्चुअल में इसके जो पॉइंट है वो क्या होंगे अगर मैं इसको ले लू ऐसे नीचे रुको एक मिनट थोड़ा सा ऐसे लेते देख बेटा अगर मैं बोलू कि ये देखो ये एक्स माइनस माइनस वन होगा जेड माइनस फोर है तो इसका जो ये होता है याद करो लाइन का इक्वेशन कैसे निकालते थे इसका जो पॉइंट कैसे लेते थे x माइनस पहला पॉइंट माइनस वन दूसरा पॉइंट y माइनस एम तीसरा पॉइंट फोर तो ऐसे तीन जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं x माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन याद आ रहा है इसका मतलब जो ऊपर है ना वो उस लाइन के ऊपर जो पॉइंट ए था हमारा वो आता है किसी लाइन के ऊपर का पॉइंट कैसे आता है एक्स वन वाई वन जेट वन है ना एक्स माइनस एक्स वन और ये क्या होता है पैरेलल लाइन के डायरेक्शन रेशियो होते हैं एबीसी होता है बराबर अब हमें बोल रहा है है ये जो लाइन ना वो इस प्लेन के अंदर है अब अगर ये लाइन इस प्लेन के अंदर ये लाइन है तो इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट है वो इस प्लेन के अंदर भी होगा जो लाइन के अंदर पॉइंट है वो प्लेन के अंदर भी होगा तो ये जो हमने पॉइंट लिया है माइनस वन एम फोर कहां से लिया इस लाइन के अंदर से यहां से उठाया वो इस प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए अगर मैं एक्स, 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 वाई, की जगह पर ये वैल्यूज रख दू माइनस वन है, तो सेटिस्फाई करना चाहिए करेगा वो करना ही पड़ेगा उसको कैसे नहीं करेगा आ जाओ थ्री मैं कहता हूं एक्स की जगह पे माइनस वन रखो माइनस फोर्टीन इस वाई की जगह पे एम रखो प्लस सिक्स जेड इस जेड की जगह पे फोर रखो और ये बोलता है प्लस फोर्टी नाइन इक्वल टू फोर्टी नाइन को वहां ले लो माइनस फोर्टी नाइन कर दो समझ रहे प्लस फोर्टी नाइन वहां ले लिया सिंपली थ्री इंटू माइनस वन माइनस थ्री माइनस थ्री तो कितना ट्वेंटी फोर माइनस थ्री ट्वेंटी माइनस फोर्टी नाइन इधर आया तो प्लस फोर्टी नाइन और ये माइनस फोर्टीन एम उधर गया तो प्लस फोर्टीन एम नाइन वन टेन और फोर टू सिक्स सेवेंटी एम इधर आया तो 14, तो आ आ गया M की वैल्यू गई जो आंसर है खत्म फाइव आ रहा है पेपर में सम देखने के बाद कोई फॉर्मूला याद नहीं आता निखिल पाटिल बोल रहा ओ ओ एक लेवल का है ओपन नहीं हो रहा कल हो गया था वो सर्वर ही क्रैच कर दिया आप लोग ने ओके फुट ऑफ परपेंडिकुलर परपेन्डिकुलर लेते लेते बेटा लेते लेते फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी लेते सब आएगा समझ में आया क्या बच्चे लोग समझ में आया अभी ऐसा ही क्वेश्चन 2021 में एक और आया है एक और क्वेश्चन है 2021 में चलो करेंगे ये क्वेश्चन है 2021 में देखो सिमिलर क्वेश्चन है सिमिलर क्वेश्चन है अब यहां पर थोड़ा सा ये अलग क्वेश्चन है सिमिलर है बट थोड़ा सा अलग है <coughs> तो बताता हूं रुको चलो ये क्वेश्चन देखो ये करो तो आप करो खुद से ये करो डायरेक्ट ये देखो ये कभी आया है सिमिलर क्वेश्चन है कौन सा चल रहा है अपना नाइन नाइन में जैसे yes, ये 2019 का क्वेश्चन है कर लोगे ये कर लोगे जल्दी देखो सिमिलर है ये भी वैसे ही है प्लेन के अंदर है देखो ये वन टू और के है सीधा वन टू और के है खत्म आ गया मैं क्या कर रहा हूं एक्स वाई जेड की जगह पे ये एक्स और ये वाई और ये जेड समझ रहे हो ये वैल्यू रख देता हूं खत्म आ गया टू वन जो फाइव टू से टेन माइनस के इज इक्वल टू फाइव टेन और टू टूल्व फाइव इधर माइनस फाइव के ट्वेल्व माइनस फाइव सेवन इज इक्वल टू के क्या लग रहा है इजी लग रहा है तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि भाई कोई लाइन है वो किसी प्लेन के अंदर है तो बताओ इसमें कोई अननोन वैल्यू है वो क्या होगा समझ गए तो ऐसे क्वेश्चन है ओके okay? कर लोगे करना 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 बहुत ज्यादा टाइम हो गया लेकिन हम कर रहे हैं लाइन प्लेन को बहुत ज्यादा टाइम हमने दे दिया अगला जो क्वेश्चन है प्लेन आ गया चलो अभी हम लोग प्लेन करने जा रहे हैं चौथे डिस्टेंस बिटवीन लाइन है डिस्टेंस बिटवीन द पैरल लाइंस है यस डिस्टेंस बिटवीन पैरल लाइंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर द पैरामीट्रिक इक्वेशन पैरामीट्रिक इक्वेशन चलो अभी कुछ क्वेश्चन हम करते हैं प्लेन का भी कर रहे हैं थोड़ा सा जो बता रहा हूं वो देखते हैं एक एक करके फुट ऑफ परपेंडिकुलर एकदम द पैरा मेट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ए एंड बी देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है और ऐसा सिमिलर क्वेश्चन और भी आया 2020 में कैसे करना है? देखो एक एक सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ पीछे भी अभी हम करेंगे थोड़ा सिंपल सिंपल पहले कर लेते फिर हम लोग जो है डिस्टेंस बिटवीन निकालना सीखेंगे स्क्यू लाइंस पैरल लाइंस अभी फुट ऑफ परपेंडिकुलर बता देता हूं आपको बहुत सारी चीज प्लेन का बताता हूं सब बताता हूं देखो जो पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ए एंड बी आपको याद आ रहा होगा कि हम लोग कोई दो पॉइंट से लाइन जाती है एकदम ध्यान से देखना कोई दो पॉइंट से लाइन जाती है तो हम कैसे करते थे याद आ रहा है कोई दो पॉइंट से लाइन जा रही है तो हम इक्वेशन लिखते थे x माइनस एक्स वन अपन एक्स टू माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन अपन जेड टू माइनस जेड वन याद आ रहा है और ये समझो कि ये जो है ये एक्स टू वाई टू जेड टू है ठीक है इस तरह से अब देखो x माइनस एक्स वन यानी थ्री माइनस थ्री इधर भी लिखना y माइनस वाई वन यानी फोर तो माइनस फोर नीचे भी लिखना

Y की वैल्यू क्या होगी लेमडा के टर्म में और जेड की वैल्यू क्या होगी लेमडा के टर्म में ऐसा निकालना है तो हम क्या करेंगे इसका कार्टेशियन इक्वेशन निकाला हमने एक्स माइनस एक्स वन अपन एक्स टू माइनस एक्स वन अब देखो यहां से डायरेक्टली कैसे आंसर आएगा देखो ये एक्स देखो वन माइनस थ्री क्या होता है माइनस टू ये माइनस टू वहां गया लेमडा के साथ तो माइनस टू लेमडा इक्वल और एक्स माइनस थ्री माइनस थ्री वहां गया तो प्लस थ्री तो हमने एक्स निकाल दिया समझ रहे हो थ्री माइनस टू लेमडाइनस फाइव लेमडा ध्यान देखो ये माइनस फोर इक्वल उधर गया तो प्लस फोर ये वाई आ गया अभी ऐसे ही जेड करो जेड सिक्स और सेवन थर्टीन थर्टीन इंटू लेमडा थर्टीन लेमडा प्लस सेवन उधर गया तो माइनस सेवन तो आपको एक्स वाई जेड मिला अब इसको चेक करो कहां पर है आ गया बहुत इजी क्वेश्चन है थ्री माइनस टू अरे पहला ही 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 आ आ आ गया 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 अरे पहला 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 आया लग रहा है हार्ड लग रहा है इजी लग रहा है ओके दो पैर हो गया अच्छा ये खत्म होने तो चैप्टर फिर ब्रेक देंगे आपको हा खत्म होने तो चैप्टर ठीक है बच्चों ये इस तरह से देखो हमने कैसे किया पैरामेट्रिक बहुत इजी है बहुत इजी है अभी ऐसा ही और एक क्वेश्चन है द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स फिर से देखो ये ये जो क्वेश्चन आया है बच्चों ये 2020 में आया है 2020 का क्वेश्चन है ये भी पिछला भी 2020 था क्या आप कर पाएंगे पैरा इक्वेशन कर पाएंगे बहुत ईजी है बहुत इजी है कैसे करेंगे एक्स माइनस एक्स वन अपन एक्स टू माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन माइनस वाई वन जेड ऐसे ही करेंगे फटफट कर देस माइनस एक्स वन एक्स वन देखो थ्री फोर माइनस सेवन थ्री फोर माइनस माइनस प्लस सेवन फिर ये माइनस थ्री माइनस फोर ये सेम सेम नीचे लिखने का फिर वन माइनस वन सिक्स वन माइनस वन और सिक्स इसको लेमडा कर दो और डायरेक्ट ऑब्जर्व करो देखो जेड जेड क्या आएगा सिक्स सेवन थर्टीन थर्टीन लेमडा माइनस अरे ये सेम ही है क्या

इसी से पकड़ सकते हो एक निकाला तो भी पकड़ लेंगे जेड जेड कहां पर है माइनस सेवन प्लस इधर नहीं है इधर नहीं है ये ये देखो ये ये जेड इससे पकड़ लिया ये डी सही है अभी देखो यहां पर यही क्वेश्चन था ए सही था अब यहां पर यही क्वेश्चन है डी सही है मतलब क्वेश्चन वही है पॉइंट भी वही है समझ रहे हो करना भी पैरामेट्रिक ही है पॉइंट भी, भी वही है एंसर भी वही आ रहा है बट ये ऑप्शन डी में आ रहा है और यहां पे ऑप्शन ए में आया था क्योंकि ये कोई एक निकालोगे तो भी पकड़ लोगे तीनों निकालने की जरूरत नहीं है मतलब बच्चे पूछते ना कि सर क्वेश्चन रिपीट होते क्या देखो ये रिपीट हो रहा है ये 2020 के अलग शिफ्ट में आया था फिर 2020 के अलग शिफ्ट में ही आया अब और लगे सर 2021 का भी दो अरे 21 का इतना सारा दिया तो मैं सारे वैरायटी कवर कर रहा हूँ कि कुछ भी अगर आ गया तो तू कर लेगा 2020-19 में जो आए थे 21 में नहीं आए थे ये 2021 में नहीं आया था अब इसके चांसेस है कि दो में आ जाए ये लोग भी देखते ना पेपर सेटर की जो थोड़ा अलग देने का दो में आया था सब वही नहीं देने का कुछ दो हजार से भी देने का आपको सब करना है इसलिए ठीक है पिछला गलत हो गया बोल रहे हैं क्या गलत हो गया क्या गलत हो गया बेटा लड़का बोल रहा पिछला गलत हुआ कुछ गलत होगा तो बता ना बेटा आप जॉब कौन सा करते हो अरे बेटा मैं टीचर हूं ना मैं टीचर हूं मैं प्रोफेशनल टीचर हूं मैं महाराष्ट्र बोर्ड में हूं मैं पेपर चेकर हूं बोर्ड के पेपर चेक करता हूं मैं टीचर हूं ठीक है सब सही है ना इधर जानबूझ के बोलते हैं गलत है नो रॉन्ग हाँ चलो अभी पीछे जाते हैं फुट ऑफ तो परपेंडिकुलर एक मिनट देखो फुट ऑफ तो परपेंडिकुलर के काफी क्वेश्चन हमने लिए हैं देखते हैं अभी देखो काफी क्वेश्चन है अभी देखो बहुत ज्यादा क्वेश्चन मैंने लिए हैं 2021 का क्वेश्चन है ये एक मिनट हाँ 2021 का क्वेश्चन एकदम ध्यान से देखना एकदम ध्यान से देखो सब बताने वाला द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन ये प्लेन है इस प्लेन के ऊपर ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये ओरिजिन है यहां पर ओरिजिन है इस ओरिजिन से यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इस प्लेन के ऊपर तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब ये जो x1 y1 z1 है वो क्या होगा जो किसी एक पॉइंट से प्लेन के ऊपर हमने ड्रॉ किया तो वो क्या होगा तो बताओ क्या होगा वो ये होगा ये होगा ये होगा, ये होगा। तो ये इतना इजी क्वेश्चन है ना देखो बोर्ड के लिए ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि लंबा सोल्यूशन करना था बट सीटी के लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाता है एकदम इजी बाबू बाबू क्वेश्चन हो जाता है लल्ला क्वेश्चन हो जाता है बच्चे बोल रहे थे फोटो परपेंडिकुलर भी लो तो देखो ये लल्ला क्वेश्चन कैसे हो जाता है वो बताता हूं आपको क्या करना है ये हमारा इक्वेशन है टू एक्स प्लस वाई माइनस टू जेड सर ऐसा जगह क्यों छोड़ रहे हो जगह क्यों छोड़ रहे हो भाई वही तो बता रहा हूं ये जो आंसर दिया ना इसमें पहला एक्स दूसरा वाई और तीसरा जेड की जगह रख दो और देखो कि अठारह कब आ रहा है एटीन कब आ रहा है देखो समझ रहे हो जैसे यहां पर देखो एक्स की जगह पे फोर रखते फिर टू रखते और माइनस फोर रखते समझ रहे हो अब देखो टू फोरजा एट एट प्लस टू टेन माइनस माइनस प्लस टू एट एट देखो टू फोर जो एट प्लस टू टेन और प्लस एट एटीन आ रहा है पहला ही सेटिस्फाई हो गया पहला एंसर ही मैच हो गया बच्चे लेकिन कोई और तो मैच नहीं हो रहा वो भी तो देखना चाहिए अगर यहाँ पर फोर यहाँ पर टू की जगह पे दूसरा कुछ पूछोबे तो जैसे कि वन टू वन वन टू माइनस थ्री करे तो तो देखो टू वन जो टू 2 प्लस टू फोर फोर माइनस माइनस प्लस सिक्स फोर प्लस सिक्स टेन एटीन आई नहीं रहा है तो निकल टू फोर रखे तो फोर टू झा एट प्लस फोर टू झा एट प्लस टू टेन टेन माइनस एट हो जाएगा तो टू आएगा एटीन आएगा ही नहीं तू भी निकल ऐसे इसको भी रखोगे तो नहीं आएगा मतलब ए ऑप्शन आ रहा है बस खत्म इतना ही करना है इतना ही कर रहा है okay, समझ गए सूरज लिख रहा है डोंट टाइम वेस्ट अरे बेटा क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है तू पागल टाइम वेस्ट मत कर चले जा ये लेक्चर में क्या कर रहा है तू तेरा टाइम वेस्ट हो रहा है बेटा तेरा मैथ्स है कि नहीं तेरा मैथ्स भी नहीं है तू भी टाइम वेस्ट कर रहा है टाइम वेस्ट मत कर बेटा मैथ्स नहीं है तू इधर क्या कर रहा है सूरज अरे अरे तू तो पांचवी में है इधर क्या कर रहा है चैट में सूरज टाइम वेस्ट कर रहा है तू एक बार की बात है ऐसे सूरज नाम का लड़का था सूरज नाम का लड़का था ऑफिस <coughs> में काम कर रहा था अचानक रिसेप्शनिस्ट में आके फोन किया रिसेप्शनिस्ट ने आके फोन दिया सूरज सर अब वो ऑफिस कौन सा था ऑफिस कौन सा था वो कीड़े मकोड़े मारने की पेस्ट कंट्रोल की ऑफिस थी और सूरज बहुत एक्सपर्ट था घर में खटमल मारने का था ना एक्सपर्ट था सूरज आपका फोन आया है मतलब क्योंकि वो पढ़ाई किया नहीं ना इधर आके ऐसा टाइम वेस्ट लिख रहा था टाइम पास कर रहा था इधर वो सीटी दे ही नहीं रहा था फिर भी ऐसे डिस्टर्ब करने के लिए अब वो कीड़े मकोड़े वाला काम करता है कंट्रोल करने का नहीं था सूरज आपका फोन आया है सूरज ने फोन उठाया अब सूरज को टाइम वेस्ट कर रहा था हाँ बोलिए अरे भाईजान हाँ आपका बच्चा किडनैप हो गया है ओह नो मेरा बच्चा किडनैप हो गया कैसे स्कूल के बाहर एक जीप आई और वो बच्चे को उठा ले गई सूरज दौड़ता हुआ निकला स्कूल के गेट पे उसके घर के नजदीक जो स्कूल था वहां गेट पे पहुंचा उसने से वॉचमैन से पूछा बच्चा हुआ ऐसा फोन आया था स्कूल से बोले हाँ यहां से बच्चा किडनैप हुआ है आपके बच्चे का नाम क्या है बोला मेरे बच्चे का नाम फिर सूरज को याद आया और मेरा तो कोई बच्चा ही नहीं है वॉचमैन बोलता हाँ तो फोन कैसे आया और दौड़ के क्यों आए हो यार ध्यान ही नहीं दिया मेरा तो कोई बच्चा ही नहीं है अच्छा तो बच्चे की मम्मी कहाँ है उसको बुलाओ बच्चे की मम्मी अरे मेरी तो शादी ही नहीं हुई है और झूठे दौड़ के आया यार मैं सोचा ही नहीं मेरे को फोन आया मैं दौड़ के चला आया बच्चा किडनेप हो गया अरे रे रे ट्यूबलाइट हूँ मैं ओ हो 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 वापस जाते वापिस तो बच्चों जो यहाँ पर फालतूगिरी कर रहे हो आए हो चले जाओ सो सोचो समझो क्या चल रहा है जिसको इस चीज की वैल्यू पता नहीं वो चैट से निकल जाओ ये लेक्चर मत देखो हाँ, आपको पता नहीं है आप सीटी वाले स्टूडेंट नहीं डिस्टर्ब मत करो ब्लॉक कर देंगे पागल कहीं का टाइम वेस्ट बोलता है इतना मस्त बता रहा हूं तेरे को कोई नहीं बताएगा तूने जहां लाख रुपया भरा है उधर भी नहीं बताएंगे ऐसा कोई नहीं देगा तुझे तो चैट में आके फालतू लिखने का नहीं शादी सूरज की इसीलिए नहीं हो रही थी पढ़ा ही नहीं तो टीचर लोगों को परेशान करने का शादी कैसे होगी पढ़ेगा तो ना पांच हजार की जॉब करेंगे तो घर चलाएंगे कि लाइट बिल भरेंगे कि बीवी के नकरे उठाएंगे पांडू लोग जरा चैट देखते रहो सूरज कोई आए उसको तुरंत हाइट करने का चैनल से क्या मालूम कौन है किधर चैनल वाले है कि कौन को है कोई तो ना ऐसे लोग है जो दिनेश सर नहीं पढ़ावे ऐसा चाहते हैं बेवकूफ लोग कोई तो चाहते हैं कि मैं नहीं पढ़ाऊं वही लोग ऐसा कर रहे है मैं रुकूंगा नहीं मैं रुकूंगा नहीं मैं पढ़ाते रहूंगा जितने भी ऐसे लोग हैं ना उनको सोचने दो मैं तो करूंगा चैट में आके फालतू में परेशान कर रहे द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन देखो फिर से वही है बच्चों x टू जीरो <laughs> अब देखो यहां पर पॉइंट है बहुत सारे अब आपको चेक करना होगा यहां पर ये जो है ना इनको रख के देखने का कि जैसे पहला पॉइंट रखा टू अपॉइंट इलेवन टू अपॉइंट इलेवन नाइन अपॉइन इलेवन तो समझो टू अपॉन इलेवन समझो ये सबको टू रखते हैं प्लस अपॉन इलेवन टू प्लस टू प्लस टू प्लस नाइन है थ्री इंटू नाइन ट्वेंटी सेवन हाँ माइनस फोर उधर गया तो प्लस फोर अभी सबके नीचे इलेवन है सबके नीचे इलेवन है बच्चों देखो ट्वेंटी सेवन टू ट्वेंटी नाइन और टू थर्टी वन अपॉन इलेवन फोर आता है नहीं आता है तो पहला ऑप्शन गलत हो गया दूसरा ऑप्शन वन वन सेवन वन वन सिक्स दूसरा ऑप्शन से देखना बच्चा आ रहा है नहीं दूसरा भी रॉन्ग समझ रहा है ऐसे पॉइंट रख के देखने का कौन सा मैच हो रहा है बात खत्म तीसरा फोर फोर ट्वेल्व फोर प्लस फोर एट ट्वेल्थी सिक्स थर्टी सिक्स और एट फोर्टी फोर और अपॉन में इलेवन है अपॉन में इलेवन है इलेवन फोर सा फोर्टी फोर फोर मैच हो गया सी ऑप्शन राइट है सी ऑप्शन राइट है खत्म आया समझ में समझ में आ रहा है सूरज अब ढल गया अच्छा ऐसा मत करो ना यार तुम लोग टाइम वेस्ट कर हो क्या तुम्हारा मैं, मैं आज इतना सीरियसली पढ़ा रहा हूं आज तो नहीं कर रहा हूं कल बोला होता तो चलता भी पागल कहेंगे जाने दो सूरज की वजह से आपको एक जोक सुनने मिला थैंक <laughs> यू <Thank you>, सूरज थैंक <laughs> यू so, सूरज बच्चों को थोड़ा जोक दिया तूने समझ गए अपना जो क्वेश्चन है ये 2020 का है इसके पहले 2021 का देखो 2020 में भी आया था 2021 में भी आया 2020 में भी आया और ये 2020 में भी आया तो मुझे लगता है आप आंसर दो फटाफट आगे बढ़ते फिर मैं देखो आज इतना मस्त बना रहा हूँ इतना मस्त बता रहा हूँ मैंने खुद पीपीटी जो बनाई है ना मुझे अच्छी लग रही है कि यार मैंने जो क्वेश्चंस की एनालिसिस की है उसमें आपको वो सारे क्वेश्चन जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हुए हैं और उनको कैसे शॉर्ट में करते हैं वो बता रहे हैं सूरज का करियर खत्म अरे बाप रे बाकी के जो सूरज है दूसरे सूरज भाई दिल पे मत लेना सर आपने मेरा नाम ले लिया तो खुश हो जा कम से कम मैंने तेरा नाम तो लिया लोग बोलते हैं कि मेरा नाम लो सर ठीक है लेकिन कर लोगे जल्दी आंसर बोलो दिस इज फॉर यू आपको करना है चलो बच्चे ए बोल रहे हैं बी बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं ए बी जल्दी बोलो ए बी ए बी कर लिया क्या कौन सा अब वापस से उल्टा है ये जो पॉइंट है ये रख के देखो हं किस मैच हो रहा वही है इसके पहले वाले क्वेश्चन में प्लेन इधर दिया था पॉइंट नीचे दिया था तो हम पॉइंट रख के मैच कर रहे थे इधर भी वही करने का अभी पॉइंट दिया है प्लेन नीचे दिया है तो डरो मत प्लेन को उड़ाओ गिराओ मत ये जो प्लेन है उसके अंदर एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड रख दो इतना तो बच्चे भी करेंगे रे फर्स्ट स्टैंडर्ड के एक्स की जगह 4 रखो वाई की जगह -2 जेड की जगह -5 देखो ये मैच हो रहा है ए बी सी डी कौन सा इक्वेशन में एक्स वाई जेड मैच हो रहा है ये बी और ए में मिक्स बच्चे ए बोल रहे हैं दो मैच हो रहे हैं अरे बाप रे अब लपड़ा हो जाएगा <laughs> दो मैच हो रहे हैं एक मिनट देखते फोर फोर जा सिक्सटीन माइनस सिक्सटीन प्लस फोर ट्वेंटी ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी फाइव माइनस फाइव एक पहला मैच हो रहा है फोर फोर जा सिक्सटीन माइनस प्लस फोर ट्वेंटी अच्छा ये दो मैच हो रहे हैं ए और बी मैच हो रहे हैं तो कैसे करने का देखो बच्चों इसको एक अलग तरीके से करेंगे हम बताएंगे आपको एक फॉर्मूला होता है एल पी एन पी और एम पी ये इस तरह से एक फॉर्मूला होता है उससे करेंगे तो अभी एक फॉर्मूला होता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला लगाते हैं यहां पर ध्यान से देखना तो क्या सर अभी तक तो कोई फॉर्मूला बताया नहीं अभी कहां से फॉर्मूला लेके आया अच्छा थोड़ी बताए डायरेक्ट शॉर्टकट बताओ तुम लोग अच्छा ठीक है चल जान दे फॉर्मूला होता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए एलपीएनपी एम पी लेकिन आओ मैं तुम्हें ना शॉर्टकट बताता हूं कि शॉर्टकट एलपीएमपी एन पी क्या होता है ये जो हमारा इक्वेशन होता है बार बार ऐसे ये P लेते हैं से ठीक है मैं शॉर्टकट बताता हूं देख बेटा कि अभी यहां पर दो दो मैच हो रहे हैं ये और एक ये दो मैच हो रहे हैं तो क्या करें सर तुम्हारा तरीका तो फेल हो गया तुम जो शॉर्टकट बता रहे थे वो नहीं काम कर रहा है आधे बच्चे ए बोल रहे हैं आधे बच्चे बी बोल रहे हैं सी और डी तो है नहीं ठीक है यहां पर एक टेक्निक है पॉइंट क्या है फोर माइनस टू और माइनस फाइव इसको उठा लो उठाया और ये P P निकालते हैं हम कैसे निकालेंगे देखो ये ये तीनों है ना इनका ही रूट करो करके प्लस करो फोर स्क्त ट्वेंटी देखो सिक्सटीन फोर ट्वेंटी और ट्वेंटी फाइव फोर्टी फाइव आ रहा है कितना आ रहा है रूट फोर्टी फाइव आ रहा है ये तीनों का स्क्वायर करो ये तीनों का क्या करो स्क्वायर करो प्लस करो सिक्सटीन फोर ट्वेंटी फाइव स्क्वायर रूट को हटा दो फिलहाल तो नहीं, समझ रहे ये तरीका होता है अगर दो जन मैच हो रहे हैं तो वहां पर ये तरीका है क्या तरीका है? कि ये जो है, तीनों को देखो ये एग्जेक्ट एंसर फोर्टी शॉर्टकट आ गया आपके लिए ये दूसरा शॉर्टकट आ गया अगर कोई दो ऑप्शन मैच हो रहे हैं तो इस तरह से आपको करना है ठीक है समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है कोई फॉर्मूले की जरूरत है ही नहीं रही आ गया समझ गए चलो पुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया ये भी पुट ऑफ परपेंडिकुलर है करेंगे देखो यहां पर थ्री टू वन थ्री स्क्वायर नाइन टू स्क्वायर फोर वन स्क्वायर वन नाइन फोर थर्टीन वन फोर्टीन यानी फोर्टीन वाला आएगा ये दो तो उड़ गए समझ रहा है अब इन दोनों में कौन सा मैच हो रहा है देखो समझ रहे हो देखो थ्री 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 जा नाइन

तो ये बारह आ रहा है चौदह जन चाहिए तो ये 20 सही है क्या लग रहा है इजी तरीका मिल गया इजी तरीका मिल गया इजी तरीका मिल गया यस चलो डिफरेंशियल आने वाला है रुको डिफरेंशियल आने वाला है मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की आपके लिए मैं कब से खड़ा हूं करने की कोशिश कर रहा हूं आपके लिए डरो मत मैं सब बता रहा हूं भाई सच बोल रहा हूं जिसने मेरा लेक्चर देख लिया एक लाख रुपए वसूल हो गए उसके एक लाख रुपए वसूल हो गए फ्री में आप कभी झिझकना मत अगर दिनेश सर ने कुछ बोला कि बाबा ये सब चीजें हैं तो वो बहुत वर्ती चीजें ओके okay. अभी हमारा जो क्वेश्चन है अगला है ये वाला अब आपको मैं शॉर्टेज डिस्टेंस वाले क्वेश्चन करा देता हूं जो इंपॉर्टेंट है ठीक है ये क्वेश्चन आया है टू में 2021 में एकदम ध्यान से देखो पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं जाने वाले चले गए ब्रेक देंगे रुक दो तीन क्वेश्चन बाकी है ब्रेक मांगने वालों रुको कोई भी दो लाइनें बेटा उसमें बोला डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन निकालो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन अगर कभी निकालने बोला तो बच्चों डिस्टेंस का एक फार्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू a2 a1 ये क्रॉस b2 बार अपॉन बी टू का मैग्नीट्यूड देखो ये एक शॉर्ट शॉर्टकट तो नहीं है फॉर्मूला है पैरेलल लाइन के बीच बीच, बीच के डिस्टेंस का अगर कोई दो लाइन पैरेलल है अगर कोई दो लाइन पैरेलल है ऐसे तो उसके बीच का डिस्टेंस क्या होता है इस तरह से होता है अभी कोई दो लाइन पैरेलल है तो होगा क्या देखो एकदम ध्यान से हा? अभी दोनों पैरेलल है तो इसका जो ये पैरेलल वाला हमेशा सेम रहेगा ये क्या रहेगा सेम ये जो बी है वो क्या है सेम है समझ रहे हो यहां पर बी का मैग्नीट्यूड है ओके okay? तो यहां पर हमें क्या करना है देखो ये जो है पहला ये ए वन देगा ये वाला और ये ए टू है देखो एक्चुअल में आपको पता है आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लेमडा बी बार होता है ध्यान से देखो तो पहला हमेशा ए बार रहता है ये ए बार है और दूसरा लेमडा के साथ है वो बी बार होता है अब ये दोनों सेम सेम क्यों क्योंकि ये पैरेलल लाइन है पैरेलल लाइन है तो दोनों का बी सेम होगा इसलिए देखो यहां बी बी को मैं बी टू नहीं लिख के बी लिखता हूं खाली बी को सिर्फ बी क्यों लिखना बी को सिर्फ बी क्योंकि बी सेम है समझ रहे हो अगर बी सेम नहीं होता तो पैरेलल लाइन सेम नहीं होती तो ये पैर, ये बी वन और ये बी टू होता ये दोनों सेम इसलिए क्योंकि ये पैरेलल लाइन है इसलिए ये फॉर्मूला अगर पैरेलल लाइन नहीं होगी तो फॉर्मूला बदल जाता है दो हजार इक्कीस में क्वेश्चन आया था अभी आपके जो सीनियर से करके गए तो बहुत ईजी है करना क्या है ए टू माइनस एवन कर लो

इस बी बार का मैग्नीट्यूड निकालना है बच्चा अब तुझे क्या करना है बच्चा? इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है क्रॉस प्रोडक्ट ये दोनों वेक्टर का क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं याद कर आई जे के याद आ रहा है किसका पहले ए टू माइनस एवन चाहिए पहले ए टू माइनस एवन चाहिए इसका क्या है देखो माइनस वन जीरो वन माइनस वन जीरो वन फिर क्रॉस किसके साथ है बी के साथ है बी क्या है टू वन माइनस टू बस खत्म अब ये जो है ये आपको क्रॉस प्रोडक्ट देगा और अपॉन में ये थ्री ऑलरेडी मिल चुका है बी बार का मैग्नीट्यूड चाहिए मिल गया इसको सोल्व कर बेटा प्लस माइनस प्लस प्लस आई कैप आई कैप क्या देगा जीरो माइनस वन तो माइनस वन आ गया माइनस जे कैप जे कैप क्या देगा माइनस माइनस प्लस टू माइनस टू जीरो आ गया फिर प्लस के क्या माइनस वन जीरो माइनस वन आ गया खत्म तो एक्चुअल में देख ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या आया अगर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या आ रहा है एक मिनट हाँ इसका हम लोग मैग्नीट्यूड लेना है ये जो आएगा ना ये जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा इसको मैग्नीट्यूड लेंगे एक मिनट हाँ देखते हैं तो ये माइनस वन आई आ गया जीरो आ गया माइनस वन के हो गया ये इस तरह से है ओके okay. अब हमारा जो आंसर आया वो क्या है देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू ऊपर वाला जो आंसर आया माइनस आई माइनस आई कैप और ये क्या है माइनस के कैप माइनस के कैप आया और बी बार क्या मैग्नीट्यूड किया था थ्री तो ये दोनों को थ्री से डिवाइड किया मतलब अलग अलग कर दिया समझो तो ये वन अपॉइंट थ्री वन अपॉइंट थ्री या तो आप कैसे करोगे ये अपॉन थ्री किया अब इसका मैग्नीट्यूड ले लो कैसे करोगे मैग्नीट्यूड देखो रूट करते जैसे ये रूट किया था वैसे

दो पैरल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा इस फॉर्मूले में जो ए टू माइनस एवन है ये देखो ये एवन एटी होता है इनको माइनस कर दो जो आएगा उसका इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेना ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट कभी भी ऐसे निकालते हैं ओके से वो जो आया उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं फिर अपॉन में बी बार बी बार मतलब जो पैरल वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड जो बी बार है उसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट करके निकालते हैं हमेशा आगे आंसर बात खत्म तो इस तरह से कोई दो पैरल दो हजार इक्कीस का क्वेश्चन है ठीक है अभी वापस से पैरल लाइन है डिस्टेंस बिटवीन पैरल लाइन वापस से दिया हुआ है यहां पर देख सकते हैं कि वापस से पैरल लाइन के बीच का डिस्टेंस है फिर से देखो वही तरीका है वही तरीका लगा सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन पैरल ये कब आया वो बता दू आपको ये आया हुआ है 2021 में यार बहुत बहुत क्वेश्चन आए थे यार ये लोग <laughs> ये क्वेश्चन भी 2021 में आया था बदल बदल के आ रहा है पैरल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालने क्या बदल के आ रहा है डिस्टेंस बिटवीन पैरल लाइन आ रहा है समझने की कोशिश करो दो आप फर्क क्या है पिछले इसमें। पिछले क्वेश्चन क्वेश्चन इसमें में में ये वेक्टर फॉर्म दिया था और वही चीज जो है यहां पर कार्टेशियन फॉर्म में दिया तो कैसे करोगे दोनों के बीच का तो वही तरीका लगा सकते हो क्या तरीका एक ही फॉर्मूला याद रखोगे तो भी चलेगा क्या था ए टू माइनस ए वन करो उसका क्रॉस करो बी बार के साथ फिर बी बार का मैग्नीट्यूड ले लो और इसका भी मैग्नीट्यूड लेने का और ये एक्स टू वाई टू जेड टू है समझ रहे हो तो क्या ज़िए? देखो एक्स टू माइनस एक्स वन वन माइनस टू वन माइनस टू माइनस वन आई क्या है तो? ये माइनस टू है माइनस टू और माइनस फोर माइनस सिक्स जे क्या है? माइनस थ्री देखो प्लस है ना तो माइनस लेने का माइनस ऑफ माइनस थ्री माइनस थ्री एंड माइनस वन माइनस फोर के क्या बी तो क्या आएगा बी बी जो ये नीचे क्या अब ये बी बार है बस आ गया अभी इस बी बार का मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालने सीखा आपने कि स्क्वायर रूट करो थ्री स्क्वायर नाइन और फाइव स्क्वायर ट्वेंटी फाइव नाइन प्लस ट्वेंटी फाइव प्लस टू स्क्वायर फोर रूट थर्टी एट दिख रहा है ऊपर लाना जरूरी क्या है ठीक है? है इन दोनों का क्रॉस करोगे अब देखो ये थर्टी फाइव और थर्टी सेवन उड़ गए थर्टी सेवन थर्टी फाइव ये थर्टी एट वाला रह जाएगा ऊपर क्या आना चाहिए वो इंपॉर्टेंट है इन दोनों का क्रॉस करोगे तो ऐसे करोगे फिर क्या करोगे आई के लिखोगे एकदम ध्यान से देखो मैं बता रहा हूं एकदम ये माइनस वन माइनस सिक्स माइनस फोर माइनस वन माइनस सिक्स माइनस फोर और बी क्या है थ्री फाइव टू थ्री फाइव टू इसको सॉल्व करो प्लस माइनस प्लस आई कैप माइनस सिक्स टू जा माइनस ट्वेल्व माइनस माइनस प्लस ट्वेंटी माइनस ट्वेल्व प्लस एट फिर माइनस जे जे किया तो माइनस टू और प्लस ट्वेल्व तो टेन फिर के किया तो माइनस फाइव और प्लस माइनस फाइव प्लस एटीन प्लस 13. ये आ गया समझो। अब इसका मैग्निट्यूड निकालेंगे 8 64, 10 100, और 13 169. इसको प्लस किया तो कितना आएगा 269, 9, 4, 13. 1 आया थ्री थर्टी थ्री थ्री थर्टी थ्री रूट में आ रहा है तो ऊपर जो आया रूट थ्री थर्टी थ्री आया और नीचे जो आया था वो क्या आया था रूट आया तो ये आंसर आ गया आपका डिस्टेंस तो कहां पर है ये बी ऑप्शन आया कि फॉर्मूला एक ही है थोड़ा देखो लेंथी जा रहा है तो ये इस तरह से 2021 में दो क्वेश्चन पैरल लाइन वाले आए थे जो ऐसे करना था पैरल लाइन समझ रहे अभी हमने किया ये वेक्टर फॉर्म में था और ये था अब आगे शॉर्टेज डिस्टेंस वाला क्वेश्चन एक है इसके पहले क्या हो गया क्या ये बाकी है क्या एक मिनट यहां तक हो गया था 2019 <coughs> ये देखते हैं एक मिनट <coughs> 2000 थाउजेंड यहां पर ये क्वेश्चन है देखो जरा क्या दिया है इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट अब प्लेन का क्वेश्चन है थोड़ा प्लेन का बेसिक कंसेप्ट ले लेते हैं यहां पर प्लेन का बेसिक लेते हैं आखिर के तीन क्वेश्चन है खत्म हो रहा है देखो आखिर के तीन क्वेश्चन है है खत्म हो रहा जरा प्लेन का बेसिक कंसेप्ट देख लो सब लोग प्लेन बेसिक्स ये बच्चे ना यार लगातार ढाई घंटे से देख रहे हैं वेरी गुड बच्चो ठीक है रहो आखिरी कंसेप्ट है दो तीन क्वेश्चन और कंसेप्ट देखो बच्चो प्लेन ये होता है अब जैसे कोई एक सर्कल है बच्चों तो सर्कल की पहचान उसके सेंटर से होती है और सर्कल की पहचान सेंटर से होती है और उसके रेडियस से होती है बराबर सेंटर एच कॉमा के होता है और रेडियस होता है <kling> वैसे ही कोई प्लेन है बच्चों <coughs> उस प्लेन की पहचान उसके अंदर किसी एक पॉइंट से होती है और उस प्लेन के ऊपर कोई एक परपेंडिकुलर वेक्टर होता है जिसको हम एन बार बोलते हैं इसको नॉर्मल भी बोलते हैं परपेंडिकुलर भी बोलते हैं तो किसी भी प्लेन की पहचान उस प्लेन के एक नॉर्मल वेक्टर से होती है किसी भी प्लेन का इक्वेशन लिखने के लिए हम ऐसे लिखते हैं आर बार और इस इक्वल टू ए बार यहां ए मतलब इस ए का पोजीशन वेक्टर होता है पॉइंट का और हम क्या करते हैं इस आर बार हमेशा वेक्टर फॉर्म में रहता है इक्वल टू ये ए पॉइंट बार ये जो नॉर्मल है इसका डॉट प्रोडक्ट दोनों साइड में करते हैं तो ये आपको हमेशा प्लेन का इक्वेशन देगा ये क्या देगा बच्चों इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या देगा इक्वेशन ऑफ प्लेन समझ रहे हो ये देगा इक्वेशन ऑफ प्लेन कभी-कभी ये लोग क्या करते हैं कभी कभी अच्छा <coughs> अभी इसका एक कार्टेशियन फॉर्म भी रहता है वो भी बता देता हूं ये वेक्टर फॉर्म है ये क्या फॉर्म है वेक्टर फॉर्म अभी कार्टेशियन भी होता है वो बताओ सर कार्टेशियन ये क्या कहता है कि ये जो पॉइंट ए है उसके एक्स वन वाई वन जेड वन होगा पॉइंट्स ये जो एन बार है ये जो एन बार है बच्चों इसका क्या होगा ए आई ऐसे होगा तो ये जो ए बी सी है ये डायरेक्शन रेशियो होते हैं नॉर्मल के प्लेन के अंदर ये जो प्लेन होता है इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियो होते हैं ए बी सी और ये जो पॉइंट होता है इसके कॉर्डिनेट होते हैं एक्स वन वाई वन जेड वन कार्टिशियन फॉर्म क्या करता है कि ये ए ब्रैकेट प्लस बी एक मिनट ए ब्रैकेट प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी ब्रैकेट इक्वल टू जीरो बोले तो क्या तो बोले तो यहां पर ये यह क्या कहता है कि ए बी सी जो नॉर्मल है उसके लिए लिए तीनों ए बी सी अब ये जो कॉर्डिनेट्स थे एक्स वन वाई वन जेड वन इनको उठाओ और क्या करो यहां पर x माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन यहां पर x y z को बदलेंगे नहीं ये जो x1 y1 z1 है वो यहां से आएगा x1 y1 z1 और ये जो एबीसी वो परपेंडिकुलर वेक्टर से आएगा तो ये एक बेसिक तरीका हुआ कभी भी आपको प्लेन का इक्वेशन निकालना है तो आपको क्या दिया होना चाहिए उस प्लेन के अंदर कोई पॉइंट पता हो या तो उस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर कोई नॉर्मल पता हो तो आप इस फॉर्मूले से उसका वेक्टर इक्वेशन निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से उसका कार्टेशियन इक्वेशन निकाल सकते हो अब कभी कभी क्या होता है कि जो मैंने एक तरीका आपको बताया था याद आ रहा है कौन सा तरीका कि भाई हमारी जो लाइन है या हमारा जो प्लेन है इसके ऊपर एक पॉइंट है मुझे इसका परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए था बट परपेंडिकुलर वेक्टर नहीं दिया है तो क्या दिया है ऐसा दिया है कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट पॉइंट दिया है बट इट इज पैरल टू टू अदर वैक्टर यानी जो प्लेन है ना ये कोई दो वैक्टर को पैरल है ये दोनों वैक्टर को हमारा प्लेन पैरल है अरे बाबा मैं बोला कि एक पॉइंट तो हमको चाहिए प्लेन के अंदर हमें हमेशा एन बार चाहिए रहता है एक पॉइंट ए चाहिए रहता है और एक एन बार जो परपेंडिकुलर हो वो चाहिए होता है तो वो तो है नहीं तो हम दिमाग चलाएंगे कि भाई हमको परपेंडिकुलर नहीं दिया है बट दो लाइन पैरल है तो अगर कोई दो लाइन ऐसे हो बी बार और सी बार तो इनको परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो ये हमको एन बार दे देगा तो इस प्लेन का मुझे परपेंडिकुलर चाहिए जो नहीं मालूम है तो मैं एक ऐसे परपेंडिकुलर निकालूंगा कैसे समझो ये बार इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दूंगा मेरा आ जाएगा बस ये एक याद रखना तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा बार डॉट ये जो एन बार कैसे आया बी और सी का तो क्रॉस प्रोडक्ट लिया बात खत्म या तो आप अलग से बी क्रॉस सी निकाल के उसको एन समझ के इसमें ही रख दो या तो उसको ऐसे करो तो ये प्लेन के इक्वेशंस होते हैं जो आपको याद रखना है तो ये प्लेन का बेसिक कंसेप्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्लेन का वेक्टर इक्वेशन प्लेन का कार्टेशियन इक्वेशन और जब नॉर्मल नहीं दिया हो किसी और दो को पैरेलल दिया तो ये करना चलो आप करते हैं ये करते हैं देखो बच्चों इक्वेशन और प्लेन निकालना है ये पॉइंट दिया है हमारा ठीक है ये पहला पॉइंट हमको दिया है जो एक्स वन वाई वन और जेड वन का, का काम करेगा अब ये किसी और को पैरेलल है ये बी बार है और ये सी बार है बच्चों ये बी बार और सी बार है तो मैंने क्या बताया कि मुझे परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है प्लेन के लिए एन बार प्लेन मतलब हमेशा एन बार चाहिए

अब देखो बी बार क्या था वन माइनस वन 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 माइनस वन वन सी बार क्या था थ्री टू माइनस वन थ्री टू माइनस वन ऐसे अब इसको करो कैसे करोगे देखो प्लस माइनस प्लस है ना जैसे करते थे वैसे आई कैप तो वन माइनस टू वन माइनस टू माइनस वन आई कैप डायरेक्ट करने माइनस जे माइनस वन माइनस थ्री माइनस फोर और माइनस वन प्लस फोर जे कैप ऐसे फिर के लिया प्लस के तो टू माइनस माइनस प्लस टू प्लस थ्री फाइव के कैप तो ये हमारा जो आया ना बच्चों हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला ये एन बार आ गया ये क्या आ गया एन बार ये आ गया एन बार अब आपको क्या पूछा था एन बार आ गया है और एक पॉइंट पता है देखो एक पॉइंट पता है ए कितना दिया है टू जीरो फाइव और एन बार हमको मिल गया है एन बार कितना मिला है माइनस आई प्लस फोर जे प्लस फाइव माइनस आई प्लस फोर जे प्लस फाइव के कैप क्या दिया देखो ये एन बार तो अब हमको क्या बोला है कि हमको ना उसका इक्वेशन निकालो इक्वेशन के लिए अभी ये कार्टेशियन पूछा है कार्टेशियन तो मैं कैसे करूंगा कार्टेशियन इक्वेशन का फॉर्मूला ये था एक्स माइनस एक्स वन बी वाई माइनस वाई वन सी जेड माइनस जेड वन ये कार्टेशियन का फॉर्मूला था प्लेन का कहां बताया सर ये देखो ये बताया था ए एक्स माइनस एक्स वन बी वाई माइनस वाई वन सी जेड माइनस जेड वन बराबर जीरो प्लेन का कार्टेशियन क्योंकि इसने कार्टेशियन पूछा ना हमको कार्टेशियन पूछा है ठीक है अभी देखो डायरेक्ट भी कर सकते थे आप ये टू जीरो फाइव रखो जरा टू माइनस फोर जीरो हटाओ टू माइनस फिर फाइव टू माइनस फाइव माइनस थ्री प्लस थ्री ये मैच हो रहा है अगर डायरेक्ट आप ये रख दो टू जीरो फाइव तो ये ए मैच हो रहा है इधर रखो टू प्लस फाइव पच्चीस ये भी मैच हो रहा है डायरेक्ट अगर ये पॉइंट रखोगे तो दो दो मैच हो रहे हैं ओके okay, समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट मैच भी कर सकते हैं बट एक से ज्यादा आंसर आएगा तो कैसे करोगे इसके लिए हम डायरेक्ट सिखा रहा हूं पूरा मैं तरीका ही सिखा रहा हूं कैसे करना पड़ता है देखो ये ए मतलब ये देखो ये ए ये बी और ये सी है ना जो एन बार के आईजे के साथ होते हैं ए माइनस वन माइनस वन बी कितना है फोर समझ रहे बहुत ईजी है बेटा सी फाइव है तो ये जेड माइनस है ये वाई माइनस है और ये एक्स माइनस है इक्वल टू जीरो है अब एक्स वन वाई वन जेड वन ये रखो टू जीरो फाइव

और जब भी प्लेन करना होगा तो ऐसे करेंगे ओके प्लेन करना, तो okay, करना है और उस प्लेन में दो अलग अलग व्यक्त प्लेन के लिए हमें परपेंडिकुलर चाहिए बस याद रखो प्लेन है तो एक पॉइंट मिले ए एक जो एक्स वन वाई वन जेड वन हो

तो परपेंडिकुलर आ जाएगा फिर वही करना है बस यही करना है अब ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है देखो दसवा क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूं आज का हमारा दो बार आया है ये 2021 में आया था ये भी 2021 में आया अब ये भी वैसे ही है अब ये क्या बोल रहा है ध्यान से देखना कि इफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच पास थ्रू दिस ये पॉइंट दिया है एंड इज नॉर्मल टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट यानी ये जो पॉइंट है इनको ज्वाइन करने वाले को नॉर्मल है प्लेन तो बिल्कुल जैसे यहां दो वेक्टर दिया था ना वैसे ये दिया है तो इसको आप समझ सकते हैं ऐसे कर सकते हैं आई जे के समझ रहे थ्री फोर माइनस वन ये टू माइनस वन फाइव मतलब जैसे हमने यहां से निकाला था ना वन माइनस वन वन थ्री टू माइनस वन ऐसे ये आ गया इसका क्रॉस प्रोडक्ट लो आपको नॉर्मल दे देगा समझ में आ रहा है इसका क्रॉस प्रोडक्ट किया नॉर्मल आ जाएगा ये पॉइंट पता है और नॉर्मल से हम एबीसी निकाल लेंगे और ये X1, Y1, है आप इस फॉर्मूले में रख दोगे बिल्कुल बस क्वेश्चन घुमा दिया यहां पर दो वेक्टर दिया था ये दो पॉइंट दिया है ये दोनों पॉइंट को आप वेक्टर समझ लो आइजे के वैसे करना है ठीक है समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है मैं... मैं ब्रेक देने से अच्छा ना मैं क्या करने वाला भी मैं सोच रहा हूँ कि खाना खाना भी बाकी है तो मैं ये सेशन है ना लाइन प्लेन बढ़ा के खत्म करूंगा फिर आधे या एक घंटे के बाद नया स्ट्रीम चालू करूंगा आधे या एक घंटे के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए फ्रेश तरीके से नया लेक्चर चालू करूंगा टेंशन मतलब आप लोग खाना खा लेना ओके खाना खा लेना मैं हूं आपके साथ नई स्ट्रीम चालू करूंगा बट आप लोग आना इस स्ट्रीम को मैं बंद कर दूंगा लाइन प्लेन पूरा होने के बाद इस स्ट्रीम को मैं बंद कर दूंगा मैं खुद खाना खा के आ जाऊंगा आप लोग भी खाना खा लेना फिर एक घंटे के बाद हम वापस चालू करें दिन भर आपके साथ रहने वाला हूं बस खाली बीच में जो खाना पीना नाश्ता सब करते रहेंगे टेंशन मत लो नई स्ट्रीम चालू करूंगा जिसका थंबनेल में में सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन लिखूंगा जैसे हमने हमने इतने डीप घंटे से लाइन किया है वैसे ही डीप में दो ढाई घंटे हम सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे आप टेंशन मत लो ये चैप्टर क्यों इतना डीप में कर रहे हैं हम लोग इतने ज्यादा क्योंकि इसमें से चार चार पांच पांच क्वेश्चन आ रहे हैं डिफरेंशियल से पांच पांच तो भाई पूरा बोलते हैं ना कि एक महाभारत के अंदर एक तरफ कृष्णा थे तो कृष्णा ना लाखों सैनिकों के बराबर थे वैसे आपके मैथ्स के अंदर जितने भी चैप्टर हैं उन सारे चैप्टर्स जैसे आपको मैं बता दूं इलेवेंथ के मैथ्स के पूरे दस चैप्टर के बराबर सिर्फ लाइन प्लेन और डिफरेंशियल है क्योंकि इलेवेंथ के मैथ्स में दस चैप्टर है आपके सीटी में वो दस चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन करके सिर्फ दस क्वेश्चन आएंगे यहाँ लाइन प्लेन और डिफरेंशियल मिलके ही दो चैप्टर में नौ से दस क्वेश्चन आएंगे समझ इलेवेंथ के पूरे दस चैप्टर यहां पर लाइन प्लेन और ये जो है डिफरेंशियल uh, उसके बराबर है और वैक्टर आप लाइन प्लेन के साथ वैक्टर जोड़ लो या लाइन प्लेन के साथ डिफरेंस वेक्टर से भी चार से पांच क्वेश्चन आएंगे लाइन प्लेन से भी चार क्वेश्चन आएंगे और डिफरेंशियल से भी पांच क्वेश्चन आएंगे तो जिसने इन चैप्टर को ऑप्शन में छोड़ दिया भाई कुछ बोल नहीं सकते हम्म तो बिल्कुल बिल्कुल एकदम निश्चिंत रहो देखो ये हो गया टू थाउजेंड ट्वेंटी वन के क्वेश्चन है अभी यहाँ पर रह क्या गया वो देखते हैं मैंने कुछ छोड़ा था ओके शॉर्टेज डिस्टेंस छोड़ा था ओके okay. बहुत सारी चीजें मैंने बता दी है अब लास्ट शॉर्टेज डिस्टेंस करते हैं बाकी सब हो गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी हो चुका है आप देखेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी का शॉर्टेज डिस्टेंस वाला क्वेश्चन करते हैं शॉर्टेज डिस्टेंस के लिए दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं यहां एक लिया नहीं गया मैंने देखो शॉर्टेज डिस्टेंस के लिए दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं चलो लास्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन कब आया था तो ये 2021 का क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन लाइन प्लेन का है 2021 का है शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है ऐसे ही और भी तरीके से श्रम बदल के आ सकता है शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन अब ये वेक्टर इक्वेशन है हो सकता है हमें कार्टेशियन इक्वेशन दे दे तो कार्टेशियन इक्वेशन में से शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने को बोल सकता है अब यहां पर बता दू कि होता कैसे तो शॉर्टेज डिस्टेंस का हम फॉर्मूला देख लेते हैं देखो ज डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है बच्चों अगर आप वेक्टर फॉर्म में करना चाहो तो अभी जो हम पैरल लाइन के लिए कर रहे थे ए टू माइनस ए वन और जो बी था याद है क्रॉस करते थे तो यहां पर ये हैल वेक्टर नहीं है इसलिए दो वेक्टर आएंगे बी वन और बी टू इनका डॉट प्रोडक्ट करना है और बाद में इन दोनों का ही जो है हम क्या करेंगे जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे ये हमारा शॉर्टेज डिस्टेंस आ जाएगा क्या आया निकालने का ये होता है कि A2 में से ए वन माइनस किया था लेकिन बी अकेला था उसके साथ क्रॉस किया था और बी का मैग्नेट्यूड लिया था क्योंकि यह पैरल था पैरल में यह सेम था जो बी था वो सेम था यहां पर हमारी जो हमारा क्वेश्चन है

हाँ ये है अब देखो ये है यहाँ पर ये जो है ना आपका a1 है ये क्या है a1 और ये जो है ये a2 है बच्चों ये a2 है ये जो है ना ये b1 देगा आपको और ये b2 देगा फॉर्मूला क्या कहता है भाई आप a2 a1 पहले निकाल लो तो आप डायरेक्ट करो हां a2 a1 डायरेक्ट करो कैसे करोगे इस a2 में से a1 माइनस करो 1 ये आई है गलती से आ रहा है 1 2 तो -1 आई क्या हो गया चलो, तो चलो ठीक है ये आ गया अभी बोलता है कि आप क्या करो ऐसे बी वन क्रॉस बी टू करो बी वन क्रॉस बी टू कैसे करते हैं बस डिटर लास्ट क्वेश्चन है ध्यान से देखो स्ट्रीम बंद करूंगा खाना खाने के लिए फिर हम डिफरेंशियल चालू करेंगे ये किया बी वन क्या देखो टू वन माइनस थ्री टू वन माइनस थ्री टू वन माइनस फाइव टू वन माइनस फाइव सॉल्व करो इसको माइनस प्लस माइनस तो माइनस अरे सॉरी 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 गलत हो गया प्लस माइनस प्लस देखो प्लस आई कैप माइनस फाइव माइनस माइनस प्लस थ्री माइनस फाइव प्लस थ्री माइनस टू माइनस जे कैप माइनस फाइव फाइव टू से टेन माइनस टेन प्लस सिक्स तो माइनस फोर ये कैप बहुत इजी होता है भी यार टू माइनस टू जीरो चलो ये जीरो हो गया खत्म हो गया ये तो ये आ गया माइनस टू आई और माइनस माइनस प्लस फोर जे ठीक है बच्चों एकदम ध्यान से देखो तो ये बी वन क्रॉस बी टू आ गया अब इसका मैग्नीट्यूड निकालने बोला बी वन क्रॉस बी टू का मैग्नीट्यूड ध्यान से देखो थोड़ा इसको टाइम जाएगा बाकी कुछ नहीं तो स्क्वायर रूट लेते हैं माइनस टू का स्क्वायर फोर फोर का स्क्वायर सिक्सटीन सिक्सटीन और फोर ट्वेंटी रूट ट्वेंटी आ गया रूट ट्वेंटी क्या होता है फोर फाइव जा तो टू रूट फाइव आ गया ये तो ये हमारा डिनोमिनेटर आ गया अब हमारा जो फॉर्मूला था इसमें वैल्यू रखो ए टू माइनस वन ध्यान देखना ए टू माइनस वन का माइनस आई प्लस टू के ये क्या माइनस आई प्लस टू के आ गया ठीक है ये फिर डॉट बी वन क्रॉस बी टू बी वन क्रॉस बी टू क्या है माइनस टू आई प्लस फोर जे माइनस टू आई प्लस फोर जे ध्यान से देखो फिर अपॉन अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड कितना निकाला टू रूट फाइव टू बस एंसर आ गया आपका बस ये फॉर्मूला याद रखो आपका डिस्टेंस आ आ चुका है कैसे गया देखो देखो इसका डॉट कैसे बहुत इजी है, जीरो जीरो टू अपॉइन टू रूट फाइव टू टू कैंसल वन वन अपन रूट फाइव खत्म वन अपॉइन रूट फाइव आ गया वन अपॉइन रूट फाइव है क्या देखो Yes, यस ऑप्शन सही है ऑप्शन सही है समझ गए बच्चों ये इधर कुर, भाव बच्चो ना आशु पवार बैच ऐसी योद्धा बैच वे कॉम्पिटिशन वहाँच ती नी टॉप कराई ची। आशु पवार इज वेरी फेमस इन आर योद्धा बैच एंड ऑन यू ट्यूब ऑल्सो एंड वी नो वेरी वेल टू आशु बेटा यहां पर बच्चा लिख रहा है आशु पवार तो आशु को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ ये हमेशा कॉम्पिटिशन में टॉप करती है ऐसा मत लिखो यार किसी लड़की के लिए मैं जानता हूँ तो ये अभी शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने के लिए एक और टाइप का क्वेश्चन आता है कि सर ये तो बरोबर है ऐसा लेकिन सर अगर कार्टेशियन हुआ तो कैसे करें तो कार्टेशियन को भी आप वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके करो या तो क्या करो या तो क्या करो उसका भी फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का बहुत ईजी होता है अभी मैंने पहले ही आपको बताया था कि देखो ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू और यहां पर एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन और यहां पर रूट करेंगे फिर है ना ये ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन ऐसे क्रॉस करके फिर स्क्वायर करते फिर प्लस फिर ये दोनों को करके फिर ये दोनों समझ रहे कि नहीं ऐसे स्क्वायर करते

जहां पर आपको लाइन क्या होता है प्लेन क्या होता है उसके टाइप कितने होते हैं वो मैराथन लाइन प्लेन का जरूर देखना पिछले साल का मेरे वहां से आपको एकदम बेसिक जिसको एकदम बेसिक नहीं आता वहां से वो सीखेगा आप यूट्यूब पर डालोगे ना दिनेश सर मैराथन लेक्चर तो लेक्चर नंबर सेवन कुछ था वो ओके लाइन एंड प्लेन अलग से लिया था मैंने तो वहां पे आपको पुराने पीवाईक्यू की तैयारी हो जाएगी अभी मैंने इस मैराथन में 2020 और 21 लिया ज़्यादातर सब 2021 और 2020 लिया ज्यादा मैराथन देखना जहां पर मैंने 2004 से 2020 तक के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन उठाए थे बेसिक से सिखाया था वो देख के फिर ये देखना तो आपको एकदम एक्सपर्ट एकदम हो जाओगे तो यहां पर बता दू कि अभी लगभग ढाई घंटे हो चुके हैं घंटे से मैं सिर्फ और सिर्फ लाइन प्लेन पढ़ा रहा था मेरे को अच्छे से पढ़ाना था मुझे 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 चूना नहीं लगाना था मुझे खुद को होना चाहिए यस yes! मैंने कुछ पढ़ाया है कल रात को मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार मैंने बहुत डीप में बहुत अच्छे से सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराए ओके मुझे सिर्फ नाम के लिए नहीं पढ़ाना है मुझे काम के लिए नहीं पढ़ाना है कि यार सच में बच्चा जब एग्जाम दे तो उसका काम बन जाए ओके okay. समझ में आ रहा है उसका काम बन जाए और वो सच में बोले कि यार मैंने दिनेश सर से सीखा था और ऐसा लेक्चर आपको कहीं नहीं मिलेगा आज जो मैंने क्वेश्चंस की पीपीटी लिए है क्वेश्चंस के फॉर्मेटिंग लिए क्वेश्चन की एनालिसिस की है क्वेश्चन की जो तरीके बताए वो बिल्कुल आपको कहीं नहीं मिलेगा लाइन प्लेन पढ़ाने से भी लोग डरते हैं हमें भी थोड़ा सा हिचक होती है क्योंकि इजी है बट थोड़ा अलग है लेकिन मैंने अपने आप को सेट किया माइंडसेट कि इस चैप्टर को मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा क्योंकि बच्चे बार बार लिख रहे कमेंट में कि इस चीज से डर लगता है मैंने बोला यार जिस चीज से डर लगता है उससे बच्चों को भागने नहीं देंगे समझ में आ रहा है जिस चीज से डर लगता है उससे आपको भागना नहीं है अरे जो भाग गया उसकी जिंदगी क्या है ओके और जिसने जिस चीज जिस से वो डरते हैं उसके फेस किया उसका सामना किया उसके कदमों के तले तो पूरा जहान है समझ में आ रहा है अरे बेटा जाते जाते एक लाइन बोल देता हूं ओके ओके काम ऐसा करो अरे बेटा काम ऐसा करो कि तुम्हारा नाम हो जाए काम ऐसा करो कि तुम्हारा नाम हो जाए या तो फिर या तो फिर नाम ऐसा करो कि नाम सुनते ही काम हो जाए नाम ऐसा करो कि नाम सुनते ही काम हो जाए तो बिल्कुल इसी लाइन को याद रखना फ्यूचर में आपको सक्सेसफुल बनना है तो आज का जो सेशन था इसमें हमने कवर किया पूरा लाइन प्लेन ढाई घंटे में एकदम डिटेल टॉपिक के साथ यहां पर मैं सौ सवाल या सौ पी क्यू सौ एम सी क्यू ये, ये दो हजार ये सब कुछ नहीं करने वाला मैं जो दूंगा कोर कंटेंट दूंगा मैं जो दूंगा सच में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दूंगा मेरा जो लेक्चर होगा सच में रिकॉर्ड ब्रेकिंग होगा सिर्फ नाम से नहीं होगा मैं जो दूंगा यहां पर मैं कुछ टाइटल नहीं डाल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं कि टॉपर्स होंगे यहीं से तो यह सच में पिछले साल भी टॉपर्स यहीं से थे इस साल भी यही है। जो आज अटेंड कर रहे थे कल तीन हजार बच्चे ज्यादा थे वो आज नहीं आए शायद वो कॉलेज में होंगे शायद वो कहीं गए होंगे वो रिकॉर्डेड देखेंगे जो भी है अगर आप रिकॉर्डेड भी देख रहे हो समझ में आ रहा है जो मैं दूंगा एक्चुअल दूंगा जो बोलूंगा वो करके दिखाऊंगा जो नहीं करना है बोलूंगा ही नहीं ठीक है और हमारे सेशन रिकॉर्ड ब्रेकिंग होते हैं पिछले साल सारे सेशन जो है हमारे आ, ट्रेंडिंग में था यूट्यूब इंडिया के इस साल यूट्यूब इंडिया के ट्रेंडिंग में नहीं भी जा रहे हैं लेकिन आपको बता दूं कि पूरे महाराष्ट्र का सबसे पहला जो मैराथन हमारा पिछले साल ही हमने चालू किया था हमारी थी वो एक लवेगी इस साल भी आप लोगों ने पहले लेक्चर जो मेरा मैराथन का हुआ वो दो लाख के ऊपर व्यूज हो गए हैं पिछले तीन चार मैराथन सब लाखों में है समझ में आ रहा है कि नहीं तो ये आप लोगों का प्यार है इस चैनल के लिए इसी को बना के रखो और इस प्यार के बदले में आपको 99 नाइन एंड हंड्रेड परसेंटाइल मिलने वाला है अपने आप से धोखा मत दो जो करोगे दिल से करो और जो ठान लिया वो करना ही है सिर्फ बोलना नहीं है करके दिखाना है और उसको करने के लिए आपको कुछ भी करना पड़ जाए सुबह जल्दी उठना पड़ जाए रात को लेट सोना पड़े जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं मुझे करना है मैं छुट्टी लेके बैठा हूं मैं बोल रहा हूं कि मैं दिन भर तुम्हारे लिए करूंगा सिर्फ लेक्चर लेना ही नहीं है ना हमें इस लेक्चर की तैयारी करनी पड़ती है पीपीटी बनानी पड़ती है समझ में आ रहा है कि नहीं सारे क्वेश्चन निकालने पड़ते हैं कुछ भी आके नहीं देना ना मुझे मुझे इस लेक्चर की तैयारी करनी पड़ती है पीपीटीज बनवाने पड़ते हैं क्वेश्चन देना पड़ता है बच्चों को टीम को हमारे अभी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा पूरा तैयार है यस यू कैन सी डिफरेंशियल इक्वेशन मेरा पूरा तैयार है लेकिन फिर भी एक वापस से स्टार्ट से ग्रेट एनर्जी के साथ करना चाहते हैं हम जिसके लिए अभी दोपहर का टाइम हो गया देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन पीपीटी हमारी रेडी है बिल्कुल टेंशन ना लें इसको भी मैं मस्त ढाई घंटे लगा के दो घंटे चलो पूरा चैप्टर पांच क्वेश्चन आए थे ऐसा बताऊंगा ना ऐसा दस मार्क करूंगा परसों से एग्जाम है पांच तारीख वालों टेंशन मत लेना हम कोशिश करेंगे चलो ठीक है बच्चों फिर इसी के सेशन को लाइक कर देना चैट यहां दिखाओ चैट यहां दिखाओ सेशन को लाइक करना अभी कितना बज रहा है दो है तो हम लोग साढ़े तीन बजे वापस आएंगे ओके वी विल बैक अगेन एट थ्री थर्टी थ्री थर्टी पी को वापस से लाइव स्ट्रीमिंग चालू होगी थ्री थर्टी पी को लाइव स्ट्रीम चालू होगी जिसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशन कवर करेंगे क्या करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन थ्री थर्टी से कवर करेंगे आप लोगों से रिक्वेस्ट है वापस आना चले मत जाना खाना वगैरह खाओ ब्रेक ले लो बाथरूम चले जाओ फोन कर लो हाय हेलो जानू आज मैं लेक्चर में दे तो आता परत साडेतीन नंतर फोन करू नये तिला सांगून द्या साडेतीन नंतर फोन करू नये त्याला किंवा तिला कारण आजचा दिवस दिने सरांसोबत बरोबर आहे ठीक आहे चला ओके परत भेटूया साडेतीन वाजता ह्या सेशनला तुम्ही लाईक करून टाका आणि शेअर करून टाका शेअर करतो आपल्या ग्रुप्सने यार रेकॉर्ड ब्रेकिंग होना चाहिए चलो बाय बाय एवरीवन वन बाय टेक केअर मिलते साडेतीन बजेम